तो परमेश्वर पिता जी का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं इस दिन लिए इस दिन समय लिए और सब जन अपने घुटने के पार होकर और परमेश्वर अगे अपने हाथों उठा के परमेश्वर अगे अज प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुहाडा धन्यवाद करते हैं अज के दिन लिए अज के समय लिए मेरे यावा परमेश्वर हे मेरे जिंदा खुदावन परमेश्वर तेरा वचन सदा जिते दो या तीन मेरे नाम इकट्ठे हो मैं उस जगह पर मौजूद हूँ हे मेरे जिंदा खुदावन परमेश्वर तुम इस जगह पर मौजूद हो परमेश्वर हे मेरे पिता परमेश्वर अज जो जो परमेश्वर तेरी पवित्र हजूरी के आए ने मेरे परमेश्वर जो आस में लैके आए परमेश्वर तुहाडा वचन सदा कि आस ना टुटेगी मेरे जिंदा खुदावन परमेश्वर अज इन्हों की आस न उम्मीद में तुम पूरा कर चुके हो परमेश्वर अज जो रोगी ने मेरे खुदावन परमेश्वर रोगी रोगी ना रहन मेरे परमेश्वर हे मेरे जिंदा खुदावन परमेश्वर अज दास दे द्वारा आने वाला वचन परमेश्वर इन्हां दे जीवन से सौ गुना फल लेके आए परमेश्वर हे मेरे जिंदा खुदावन परमेश्वर तुहाडा वचन सानू दसदा के तुसी वचन नू भेज के रोगियों नू चंगा कर दियो परमेश्वर निश्चय अज सब रोगियों नू तुसी छुड़ा चुके परमेश्वर हर एक बंधुआ नू तुसी छुड़वा चुके यीशु मसीह दे सामर्थ नाम दे विच परमेश्वर तेरी इच्छा तेरी मर्जी इन्हां दे जीवन दे विच पूरी होए परमेश्वर सारी इज्जत जलाल और महिमा तेरे नाम नू मिले परमेश्वर हे मेरे जिंदा खुदावन परमेश्वर अज दी वर्शिप दे लई परमेश्वर तुहाडे अगे प्रार्थना करदे परमेश्वर अर दी वर्शिप दे विच परमेश्वर तुसी बहुत सारा मसा दे चुके परमेश्वर बहुत सारी बुद्धि और समझ दे चुके सभना नूं परमेश्वर हे मेरे जिंदा खुदावन परमेश्वर अज दी प्रार्थना नूं जो परमेश्वर तुहाडे सन्मुख कीती गई मेरे खुदावन परमेश्वर जिवें इजराइलियां दी आवाज़ तेरे स्वर्ग विच पहुंची परमेश्वर नीचे अज दी प्रार्थना नाल परमेश्वर तुसी सभना नूं ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर अब्राहम इसहाक ते याकूब दे परमेश्वर अज दे लई तुहाडे अगे प्रार्थना करदे आ मेरे पिता परमेश्वर सभना नूं बहुत सारी बुद्धि और समझ दे नाल ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर अज दे वचन दे लई परमेश्वर तुहाडे अगे प्रार्थना करदे आ परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਏ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰਥੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰਥੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੋ हेलो 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 तो प्रभु परमेश्वर जी का बड़ा धन्यवाद असी सब जन सच्चे परमेश्वर जी दे लई और पवित्र आत्मा जी दे लई एक जोरदार क्लैपिंग करांगे Oh, okay.
ना सिहार खुदा रे हो देना, ओ ते मंदी ना सिहार खुदा रे हो देना, ओ ते मंदी ना सिहार खुदा रे हो देना।
Thank you.
Oh,
Oh,
Bye.
जी।
जोर से स्वागत करेंगे होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का, दिल से और रूह से, और खुदा की प्रेजेंस को, दी हजूरी को अपने जीवन में मांगेंगे, ताकि हमारा जीवन घटे ना उसके साथ बढ़े। कितने लोग उसके साथ बढ़ना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा कि उसकी रूह की भरपूरी में बढ़ते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। जो अपने आप को उसकी रूह से, उसकी परिपूर्णता से, उसके प्रेम से भरेगा। कितने लोगों को याद है हमने पिछले संडे कौन सा वचन सुना? कितने लोगों को पता? कितने लोगों को पता? मैं एक वचन आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अच्छी तरह से उस परमेश्वर का नियम और उसके प्रेम को समझ जाओ, ताकि आप घटो नहीं, आप बढ़ो परमेश्वर के साथ। बोलो क्या करो? बढ़े हम परमेश्वर के साथ। इसलिए हम जकूब की पत्री, जकूब की पत्री उसका एक अध्याय, तेई वचन तो चढ़ाएंगे, तेई तो हम भाई तो पढ़ो, भाई तो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि जीभ पर बस। तो जो कोई स्वतंत्रता दी सिद्ध व्यवस्था दे उत्ते रात दिन की करेगा, ध्यान करेगा, की करेगा वो ऐसा व्यक्ति होएगा जो रात दिन की करेगा, ध्यान करेगा, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर वह भूलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सानू दसदा केवल खाली सुनने वाले नहीं, बोलो केवल खाली सुन वाले नहीं, उस वचन उत्ते चलन वाले बने। जो खाली सुनदा और भूल जांदा लिखिया, वो उस मनुष्य दे समान है जिन्हें अपना मुंह दर्पण मतलब शीशे विच वेख्या, जो शीशे दे सामने गया तुनू पता लगा मैं ऐसा है, और जो साइड ते हो गया फिर भूल गया। जिमें तुसी हर संडे इस जगह ते पहुंचते हो परमेश्वर की पाक पवित्र हजूरी दे विच, की पहुंचते हो हर संडे इस जगह ते पहुंचते हो, और हर संडे हर वीरवार परमेश्वर का वचन आंदा है। बहुत सारे वीरवार तो नहीं पहुंच पाते, पर जो हर संडे भी वचन सुनता है कि वो अपने जीवन पूरा हफ्ता उस वचन उत्ते मनन करता है, उन्हें याद करता है कि मैं की सुनिया सी, उन्हें पूरा हफ्ता अपने जीवन च मनन करता है कि नहीं करता। अगर वो करता है तो परमेश्वर के दास जकूब जी कहते ने कि जो इंसान स्वतंत्रता की सिद्ध, बोलो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, व्यवस्था समझना जो पाप के विच सी, और परमेश्वर ने सानू अज मसीह विच की दिती है, सारे नू आजादी दिती है। किन्ने लोग विश्वास करते कि मैनू आजादी मिली है पाप तो, छुटकारा मिला है? साडे जीवन च उस पाप और अंधकार का वचन दसदा कोई अधिकार नहीं है। बोलो की है, असी सुनते कि असी यीशु मसीह के कोड़े खान तो की हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह साडे लिए कंगाल बन गया ताकि असी तनी होइए, सानू तनी भी बना गया, की बना गया सानू
क्योंकि वो लिखा साडे लिए कंगाल बन गया और सानू की बनाता उन्हें तनी। और जो लोग इस गल का विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर नाल पूर्ण मन नाल नहीं चलेंगे, वो हर चीज नाल ब्लेसिंग आशीष तनी नहीं हो पाएंगे। और ये कौन होएगा जो लिखिया सुन के भुलदा नहीं, बोलो सुन के, जिन्हें पता है कि मेरे लिए इस दुनिया च कौन बलिदान होया है, किन्ने मेरे जीवन दे पाप दे लई अपना जीवन गवाया। सब चौकस हो जाओ, सुनो, मैं पहले भी दसिया सी कि खुदा दा आत्मा हर जगह ते, उदा आत्मा हर एक नाल कम करता है और हर जगह ते कम करता है। पर लैन वाले उस वचन नू किस मन नाल रह रहे ने, किस तरह ग्रहण कर रहे ने अपने जीवन च, परमेश्वर मना नू वेखदा और मना दे हिसाब ते नाल हर एक दे जीवन च की करदा, कम करता है। बोलो, मैं उदन भी दस्या कि 12 साल की स्त्री ने कोई फैलोशिप कोई संगति नहीं अजे की, खाली उन्हें इन्ना पता लगा यीशु नासरी है। क्या बोलो, यीशु नासरी है। किसी ने उन्होंने बारे दस्या कि इहदे अंदर सामर्थ्य है, पावर है, और जो कोई भी अगर इन्हें छू लेंदा वह की हो जाता है, चंगा हो जाता। खाली उन्होंने इन्ना पता लगा बस, और उन्हें उस गल नू बड़ी ईमान ते विश्वास नाल अपने जीवन च लिया, कि लिया अपने जीवन च, और कोई फैलोशिप नहीं, कोई संगति नहीं सुनी, आज कोई यीशु मसीह दे मुंह तो कोई प्रचार नहीं सुनिया, सिर्फ इन्ना सुनिया एक व्यक्ति दे कि हाँ इन्हू छुएगा वो की हो जाएगा, और इन्ना विश्वास लैके वो यीशु मसीह दे पिछे दौड़ी। बोलो, अगर असी उस विश्वास नू लेके अगर प्रभु दे पिछे दौड़ रहे हैं तो असी सेम नहीं रहांगे। आमीन, बोलो, असी सेम नहीं रहांगे। बीमार नहीं रहेगा, कंगाल नहीं रहेगा, क्योंकि साडे लिए कौन कंगाल बनिया, बोलो कौन कंगाल बन गया, और किन्ने सानू तनी बनाता। पर तुहानू इस गल का विश्वास करना पेगा। बोलो, की करना पेगा, विश्वास करना पेगा कि हाँ मैं यीशु मसीह दे कूड़े खान तो चंगी हाँ, और मेरे लिए कंगाल बनिया और मैं उदे नाम च तनी है, मेनू कोई मेरे जीवन च कोई कटी नहीं है, मेरे जीवन च कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। पर लिखिया जो स्वतंत्रता दी सिद्ध व्यवस्था कादी, स्वतंत्रता मतलब हुंदा आजादी, जो इंसान अपनी आजादी दे विच अपने आप नूं स्थिर नहीं रखेगा। अज इंसान चंगाई पाउण तो बाद फिर क्यों दोबारा हालात विच जांदा है, बार बार उहदे जीवन च प्रॉब्लम समस्या पीड़ा क्यों आउंदी है, वाई कारण है, कारण परमेश्वर नहीं है, कारण उहदा वचन नहीं है, कारण इंसान है। अगर उन्हें इस गल की समझ आ गई कि परमेश्वर का वचन मैनू की सिखांदा और मैं की करना है, कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, व्यवस्था मतलब पाप, जड़ा परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा एक प्रबंध दिता सी, तो लिखिया जी रात दिन वो ध्यान करता है, की करता उस गल का, रात दिन ध्यान करता, रात दिन, तो उस सुन के भुलेगा नहीं, लिखिया आशीष पाएगा, की पावेगा, भुलेगा नहीं, हो आशीष पाएगा, क्योंकि किदा वचन आखदा, बोलो किदा वचन आखदा, जो सुन के भुलदे नहीं है। अगर तुसी हर संडे आए हो इत्थे सुन के, फिर ओही संसार दे कारां व्यारियां अपनियां सोचां परेशानियां अपने बोस कई गल्लां दे विच फसे हो, तो परमेश्वर दा वचन तुहाडे जीवन च फलेगा नहीं और फलां नूं पैदा नहीं करेगा। और कदों करेगा, जदों तुसी सुन के अपने जीवन च लैंदे हो और धन्नवाद करदे हो कि हाँ परमेश्वर ने असीं इह सुणिया सी। असीं की सुणिया सी संडे पिछली वारी, अगर तुसीं उस वचन नूं मनन करदे हो, याद करदे हो, तो तुसीं सचमुच जो वचन च लिखिया कि तुसीं ज्योति हो, कि हो तुसीं सारे, मैं नहीं कहिंदा परमेश्वर ने कहा कि तुसीं सारे की हो, ज्योति हो, और ज्योति हनेरे विच की हुंदी है, चमकदी है। उस प्रभु यीशु मसीह ने सानू सारिआं नूं ज्योति कहा, कि क्या है,
क्यों ज्योति क्या? क्योंकि उन्हें सानू उस पाप की व्यवस्था तो छुड़ाया है अपना कीमती लहू बलिदान दे के। अगर सानू इस गल की समझ नहीं आती अजे भी असं अपने पाप और गुनाह च फसे हैं। बोलो की है, अजे भी असं अपने पाप के गुनाह विच फसे हैं। तद ही तो साढ़े जीवन च अजे भी बीमारी है, प्रॉब्लम है। पर जे सानू इस गल का समझ आ गई कि मैनू कितनी आजादी देती है और मैं अपनी आजादी च स्थिर रहना है। और जिहड़ा इंसान इस गल नू भुलदा नहीं है लिखिया आशीष पाउंदा। की पाउंदा है? की पाएगा? परमेश्वर कोलों आशीष पाएगा। क्यों पाएगा? क्योंकि वह सुन के भुलदा नहीं है। इस करके तुहानू परमेश्वर ने अपने कोल बुलाया है आशीष देण दे लई, एक अच्छा जीवन देण दे लई। यीशु मसीह ने क्यों किया? चोर आउंदा चोरी करे वड्डे अते नाश करे। चोर किन्नू किया? बोले चोर किन्नू किया? सबनू पता कि नहीं पता चोर किन्नू किया ने? शैतान। तो लिखे हो साडे जीवन च आंदा है, साडे जीवन नू, साडी बरकत नू, साडे कई चीजा नू चरांदा है, साडे जीवन नू भी चरांदा। चरांदा कि नहीं चरांदा? एक अच्छे चंगे भले इंसान नू किवें ओ समस्या पीड़ा प्रॉब्लम देंदा है। एक चंगा भला व्यक्ति घरों जा रहा है और खाली अगर वो दर्द उठती है कि उठती है और उस वो दर्द उन्हें कितों तक लैके पहुंच जाती है, उस गल का उन्हें कभी भी मन च सोचा नहीं कि मेरे नाल ये होएगा। बोलो, उन्हें कभी नहीं सोचा कि इस तरह मेरे नाल इस तरह हो सकता है। बोलो, पर लिखिया जो भुलेगा वो आशीष पाएगा। तो जो तो जानदा इस गल नू और उन्हें पता है कि मैनू आजादी परमेश्वर ने दी है तो भुलेगा नहीं। क्योंकि चोर साडे जीवन नू, शैतान जो चुरांदा है उहदियां बहुत सारियां जुक्तियां ने जिच इंसान नू फसांदा है। और जिहड़ा आत्मिक बंदा वह कभी भी उहदी गल विच फसदा नहीं है, जो शरीर विच ने वह उहदी गल विच फसदे ने। बोलो, आत्मिक बंदा कभी भी उस उदी चाल विच नहीं फसेगा, उदी उस जुक्ति विच नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है ये किदी वल्लों है। अगर मेरे जीवन च ये चीज हो रही है तो उन्हें पता है कि ये परमात्मा वल्लों नहीं है, ये शैतान उस नेगेटिव पावर जो तो मैनू परमेश्वर ने आजादी दी है ये उदी वल्लों है। और समझ के स्थिर हो जाएगा, उदे विच की हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा और उस वचन अपने जीवन च लेगा जिहड़ा प्रभु ने कहा कि चोर आउंदा चोरी करे वड्डे ते नाश करे पर मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए। की शब्द आया? वह क्यों बोले? वह दा मतलब जो इस वचन नू सुन के विश्वास करेगा और केड़ा जीवन पाएगा? बोलो केड़ा जीवन पाएगा? अमंडन लाइफ। केड़ी लाइफ पाएगा? अमंडन लाइफ मतलब चोखा चोखा जीवन जिच कोई परेशानी नहीं, कोई बोझ नहीं, समझ वो पाएगा। और उदे नाम विच ये जीवन की दे नाम चिया वो कहना मैं इसलिए आया पर सानू विश्वास और अपनी मेहनत दे नाल प्राप्त करना पाएगा। बोलो का दे नाल? क्योंकि साड़ी लड़ाई लिखिया की दे नाल है? अपने गवांडी नाल। बोले साड़ी लड़ाई किदे नाल है? अपने गवांडी नाल है। किदे नाल है? शैतान नाल। अगर तुहानू लड़ना नहीं आंदा, अगर तुहानू लड़ना नहीं आंदा तो तुसी हारोगे। अगर तुहानू लड़ना आंदा है, बोलो की आंदा है? तुसी हर चीज विच जितोगे। बोलो की है? लिखिया दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ियां और 66 ही जितियां। क्यों? क्योंकि जानदा सी मेरे नाल कौन है और मैनू हर गल दसन वाला कौन है। इसलिए 66 दियां 66 लड़ाइयां जी साडे जीवन च एक मसला है, एक प्रॉब्लम है, एक हालात है, उहदे कारण ही असी डगमगा रहे हैं कि किवें होएगा ये मेरा मसला, कद किस तरह होएगा, मेरे जीवन च ये रोग किवें जाएगा, मेरा काम किवें चलेगा, मैनू मैं बाहर जा पावांगी जां जावांगा जां मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। जिन्हों समझ आ जाती और अपनी लड़ाई में लड़ना शुरू कर देता उस विश्वास च लिखा जो वह जीवन पाएंगे और केड़ा पाएंगे? अबंडेंट लाइफ। केड़ी लाइफ?
अमंडल लाइफ मतलब चोखा चोखा जिच सब कुछ ओदे नाम च किया। क्यों पत्रस ने इस गल नु बोलिया कि जो जीवन अते भक्ति नाल की रखदा वास्ता। अगर तुसी कुछ वास्ता रखदे हो परमेश्वर नाल उस प्रेम नु रखदे हो कि जेड़ा उन्ने तोडे नाल कीता है किता कि नहीं किता तोडे नाल प्रेम ने। अगर तुसी भी उस प्रेम दा वास्ता अपने जीवन च रखदे हो ते तुसी कदे भी प्रभु दीआं गल्लां नु सुन के अपने जीवन च भुल्लोगे नहीं बल्कि तुसी चलोगे और वधोगे। और जो चलेगा जो वधेगा ओ आशीष पाएगा हर प्रकार दी खुदा दे कोलों। आमीन। बोलो की पाएगा वो हर प्रकार दी आशीष पाएगा और खुदा उन्हें देन दे लिए तैयार है। बोलो की आओ उन्हें देन दे लिए तैयार है पर जे तुसी लैन दे लिए तैयार नहीं है उस वचन नु अपने जीवन च पूरा करन दे लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे अपने आप नु कोसोगे तुसी अपने जीवन नु कोसोगे। कई इंसान अपने आप नु कोसते ने बलो की करते ने अपने आप कोसते ने पता नहीं साड़ी वारी कदों आनी है पता नहीं सानू ब्लैसिंग कदों मिलनी है पता नहीं साड़ा काम इतों होना भी है कि नहीं होना। और नैगेटिव गल्लां तुहाडे अंदर पाप पैदा करता है। इसलिए परमेश्वर दास पौलुस जी कहिंदे हर एक उच्ची गल जो मसीह की पहचान के विरुद्ध उठती है मैं उन्होंने खंडन करदा अपने अंदर बन नहीं दिंदा। जो इंसान के अंदर गल्लां बनदियां ने बलो की होंदियां ने जो ये गल्लां साडे अंदर बनदियां ने तदों ही मसला खराब हुंदा सारा की हुंदा साडे जीवन का तदों ही मसला खराब हुंदा कि जो साडे अंदर संसार दियां गल्लां बनदियां ने। पर परमेश्वर दास पौलुस जी कह रहे मैं हर एक उच्ची गल जो मसीह की पहचान के विरुद्ध उठती है जिहड़ी कहिंदे आ मेरा मन मेनू आखदा है कि आखदा मेरा मन मेनू आखदा है कि पता नहीं मेरा काम होएगा जा नहीं होएगा जा मेनू शिफा मेनू बरकत परमेश्वर देगा कि नहीं देगा। पर जे उन्हें पता है कि मेनू देन वाला कौन है और वह तैयार है तुसी लैन दे लई तैयार हो और देन दे लई। पर जे तुहाडा मन तुहानू दोष लगा रहा तो खुदा का वचन पूरा नहीं होएगा क्योंकि परमेश्वर अपने नियम का पक्का है। बोलो कि अपने नियम दा पक्का। कई लोग अगर किसी दे जीवन च कोई प्रॉब्लम है तो वो इत्थे बैठे ने अगर मैं खड़ा करा तो खुद आखदे ने कि हाँ कोई गल नहीं है साडी कमी दे कारण किसी वक्त हालात आ जाता है और वो उस स्वतंत्रता दी सिद्ध अवस्था दे विच अपने आप नूं पूरियां करदे ने ना कि वो भुलदे ने की करदे ने ना कि वो उस गल नूं भुलदे ने कि अगर कुछ है तो मेरी कमी दे कारण है क्योंकि वह भुल नहीं रहे उस जीवन के उपकार नू जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह ने साडे लिए अपना क्रूस ते जीवन गवा के सानू ए जीवन दिता है। और जो लोग इस तरह उन्हें प्रेम करते हैं इस गल नू अपने मन दे विच रखते हैं और चलते हैं तो वधदे ने कि चलते हैं खुद भी चलते हैं और वधदे ने और दूसरे नू भी उहदा शुभ समाचार देंदे ने कि देंदे ने दूसरे नू भी शुभ समाचार देंदे ने समझदे आ। कदी कदी मान लो अगर तुहाडे कोल खुद कारोबार नहीं है पैसा नहीं है कुछ नहीं है कोई भी चीज़ तुहाडी कोई भी हो सकता तुहाडी कोई किसी भी गल की कोई कटी अगर तुहाडे कोल नहीं है अगर किसी दूसरे कोल नहीं हो जो नहीं प्रभु नूं जानदा तो तुहाडा मन तुहानूं दोष लाएगा अजे तू मैनूं नहीं मिलिया मैं इहनूं किदां दसां तदों वचन पूरा नहीं होएगा क्योंकि लिखिया सुन के भुलदा नहीं आशीष पाएगा और उहनूं पता है कि मैनूं कौन आशीष दे चुका कौन दे चुका मैनूं आशीष परमेश्वर दे चुका है। किन्ने लोग विश्वास करते हैं कि वह दे चुका है क्योंकि आज तो 2000 साल पहला जो यीशु मसीह ने अपना क्रूस के उत्ते अपने जीवन को गवाया सी और जो लास्ट समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागया और प्राण त्यागन के समय यीशु मसीह ने कहा अज जिस काम के लिए मैं इस पृथ्वी के उत्ते आया सी वो सब कुछ पूरा हो गया है। की हो गया है जिस काम के लिए मैं इस पृथ्वी के उपर आया है यीशु जब प्रभु यीशु मसीह के प्राण उसकी जान निकलने वाली सी तो लिखे उन्हें आज वो सब लेख पूरा हो गया तो आज साडे जीवन च पूरा हो गया है पर सानू विश्वास नाल उस अपने जीवन च पूरा करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा खुदा नाल।
की करना पड़ेगा, ओदे वचन नु अपने जीवन च पूरा करना पड़ेगा। और जो तुसी करांगे तो जेड़ा इंसान भुलेगा नहीं लिखिया ओ की पाएगा, आशीष पाएगा। की पावेगा? क्योंकि वो भुल नहीं रहा। और कई लोग जिन्हां दे अंदर सच्चा खुदा दा प्रेम है और जानते ने कि मैं किस पाप विच सी, किन्ने मैनू उस अंधकार च छुड़ाया, किन्ने मैनू बचाया है, वो भुल नहीं रहे। उस जीवन नू दाऊद वांगू वो पुकार नू भुल नहीं रहे। की नहीं करदे? कई तो नहीं भुल रहे इस जीवन नू और वो याद कर रहे नहीं। हाँ, अगर प्रभु मेरे जीवन च नहीं आंदा तो पता नहीं आज मैं मेरे को जीवन होना भी के नहीं सी होना। इसलिए एक अच्छा विश्वासी की पहचान है कि वो उस गल नू अपने जीवन नू लेके रोज याद कर रहा है। की कर रहा है? वो रोज याद कर रहा, रोज याद कर रहा। मैं तो इस योग नहीं सी, मेरा कोई कर्म नहीं है, एक दी बख्शिश है, किदा प्रेम है। तो रोज याद कर रहा और भुल नहीं रहा। कि नहीं रहा? उस जीवन नू उस गल नू लेके भुल नहीं रहा। इत्थे साडे विचकार एक सिस्टर ने, उन्हां दी एक बेटी सी 10-12 साल दी, पर अगों उन्हां दे कोई बेबी कोई बच्चा नहीं सी। और पाप दे कारण जिहड़ी उन्हां दी कुक सी वो बंद हो गई, क्योंकि शैतान ने पाप के कारण वो प्रभु तो दूर सी नहीं सी जानते, जिदे कारण उनके जीवन च बहुत सारिया। मैं चाहना था कि तुहानू समझ आ जाए कि भुलना नहीं है। मैं इस चीज नू तुहानू पक्कियां करना चाहना, अज तुहाडा मन पक्का आ जाए। वो अगे आ जाए, आए ने रजिंदर नगर तो। हाँ आ जाओ अगे, आज आज इस सिस्टर एक दिन प्रभु नू जान दी नहीं सी। इन्हां नू लगभग अजे प्रभु दे विच आया किन्ना टाइम हो गया तुहानू? 1.5 साल के 2-1 साल। इन्हां नू करीब करीब 1 साल होया अजे। किन्ने साल? 1 साल, सिर्फ 1 साल। उन्हें दी बेटी भी आ 10-12 साल दी है। अजे सिर्फ इन्हां नू 1 साल होया प्रभु च विच आया। किन्ना साल? 1 साल। और 1 साल पहला अगर इन्हें जीवन नू पुछो, 1 साल पहला इन्हां नू पुछो, 1 साल इन्हां नू पुछो कि 1 साल इन्हां दा जीवन कैसा सी, किसी 1 साल पहला इन्हां दा कैसा जीवन सी। मैं इन्हां दे मुंह तो सुनना चाहना हाँ कि 1 साल पहला, हाँ तो 1 साल पहला इन्हां दे जीवन च की प्रॉब्लम सी, की प्रॉब्लम सी, जल्दी दसो। हाँ 1 साल पहला जदों प्रभु नूं नहीं सी जानदे, हाँ बोलो की प्रॉब्लम सी। तो प्रेयर जी दसदे पे ने कि इन्हां नूं पीरियड दी प्रॉब्लम सीगी और 10 साल हो चुके सीगे और कोई आस नहीं सी, उम्मीद नहीं सी। डॉक्टर ने जवाब दिता होया सी कि तुहाडे कोई बेबी नहीं होएगा, लेकिन ये परमेश्वर ते इन्हां ने विश्वास किया, परमेश्वर की संगति दे विच बने रहे। और ये दसदे ने कि खाली मैं 3 हफ्ते ही खाली परमेश्वर की संगति विच पहले आई और 3रे हफ्ते ही परमेश्वर के दास ने बोलिया कि जिन्हां दी बंद कुखां ने वो खुल चुकियां ने, परमेश्वर तुहानू बच्चियां नाल ब्लैस करन जा रहे हैं। और इन्होंने रिसीव किया कि परमेश्वर जो रब दे दास दे मुख तो बोलिया, परमेश्वर मैं विश्वास करती हाँ कि तुसी मैनूं बच्चे नाल ब्लैस कर चुके हो। और बंद पीरियड तो अलावा और की समस्या सी? मेन प्रॉब्लम पीरियड दी मेन प्रॉब्लम सीगी इन्हां दी, और पीरियड दे कारण ही डॉक्टर ने जवाब दिता होया सीगा। और दसदे पए ने कि जो 3रे हफ्ते विच मैं आई तो परमेश्वर दे दास ने बोलिया, मैं रिसीव किया और परमेश्वर ने अज मैनूं बेटी दे नाल ब्लैस किया। शमस ते सामर्थी नाम दे। सुनो 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 सुनो, एक चीज बंद कोखियां और पीरियड की प्रॉब्लम कारण शायद भूल रहे ने, दस रहे सी कि उहदे कारण मैनूं और भी काफी मुश्किलां सी, शायद थोड़ा शर्मा रहे ने सामने आके ये दस रहे सी। मैनूं अजे थोड़े दिन पहला मैनूं मिले और दस रहे सी कि उहदे कारण मेरे जीवन च काफी प्रॉब्लम सी और भी सी।
तो आखिरकार इन्हें को खुली पीरियड की जड़ी क्योंकि बंद पीरियड के कारण एक स्त्री के जीवन च कई शैतान हालात पैदा कर सकता है जिहड़ा इन्हों के जीवन च भी आ गया। तो उस चीज तो परमेश्वर ने इन्हें फ्री किया आजाद किया और बेबी नाल ब्लैस किया पर इन्हों की एक पहला बेटी सी फिर बेटी हो गई की हो गई इन्हों की पर एक चंगा एक अच्छा विश्वासी क्योंकि पहला ही परमेश्वर नाल तय कर चुके सी कि हुण कुछ भी आ मैं खुदा नूं मैं उस परमेश्वर नूं नहीं छड्डांगी। जिवें अज लोग कदी कदी इंसान अपनी जरूरत दे करके आंदा आ अपनी लोड़ नूं आंदा आ कि मेरा एक काम हो जाए पर जे नहीं होया तो छड्ड के खुदा नूं चले जाएगा क्योंकि उन्हूं अजे इस गल का पता नहीं है कि जिस परमेश्वर दे कोल मैं आई जा आया है वह कौन है। मैं जीवन देने वाला मेरे मां की गर्भ च रचने वाला और मैं बनाने वाला मैं जीवन का सा कई लोग आते ने अगर उन्होंने जीवन च नहीं काम होया तो की हो जाते हैं उन्होंने छड़ के कि नहीं साडा तो काम नहीं होया। तो इन्हों की दोबारा भी दूसरी बच्ची होगी बेटी होगी और बेटी के कारण कई अपने अपने बंदे अपने विश्वासी उस गल नूं नहीं समझते कई लोगों ने अपने नहीं खोलिया कि ओह मेहनत तो बड़ी की बेचारी ने पता नहीं प्रभु ने सुनी नहीं होती कि नहीं सुनी प्रभु ने उसकी सुनी नहीं होती। इस तरह कभी हो सकता बोलो क्यों ना सुनने वाला है। तो कई ने अपने बंदे एक बिलीवर एक विश्वासी बोलिया कि उसकी सुनी नहीं उन्हें तो बेटा चाहिए सी की चाहिए सी उन्हें पर बेटी मिल गई। पर मैं जानता हूं कि खुदा ने उस तो भी ज्यादा वड्डा इन्हां दे लई सोच के रख्या है बोलो उस तो भी ज्यादा वड्डा इन्हां दे लई उस सुख हर चीज इन्हां लई सोच के रखी। पर कई ने इन्हों जिस पिंड जिस जिथे रेंदे ने जिस नगर च इन्हों गली महल्ले इन्हों रिश्तेदार ने इन्हों बहुत बोलियां मारियां बहुत कुछ किया लै तू तो जानी है बड़ा जानी है दिता नहीं यीशु ने तेनों किया तेनों यीशु ने तेनों दिता नहीं तू तो कहनी है मेरे लिए करेगा तू होया नहीं तेरे लिए कई इन्हों रिश्तेदार गली महल्या ने बड़ा कुछ किया पर सब गलों सुनते रहे। हाँ मन भी है मैं नहीं कहता ना मन भी मन भी ठेस लगी मन भी उदास होया बड़ी 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 बारी इन्हों का मन उदास होया पर जदों जदों पिता का वचन ही सुनते रहे अपने मन में स्थिर करते रहे और खुदा दे नाल अपने आप को क्योंकि सुन के ये भुल नहीं सी रहे इन्हों याद ही कि एक समय मेरे को कैसा जीवन से ये जानते हैं इस गल नूं ये जानदे ने कि मेरे को एक समय उस गल नूं लैके भुले नहीं है कि वह भी तो दिन सी जे अगर जिस दिन मेरी कुक बंद सी मेरे जीवन च पीड़ दे कारण इन्नी प्रॉब्लम इन्नी मुसीबत सी मैं बहुत परेशान सी और इस बीमारी दे कारण ये पीड़ दी बीमारी दे कारण अपनी ये इलाज दे लई कम से कम कितना खर्चा लग गया कितना हाँ दो तीन लाख रुपया कहते दो तीन लाख रुपया अपनी बीमारी के उत्ते इस चीज के लिए खर्च चुके से ताकि मैं चंगी हो जावा इस प्रॉब्लम तो मैं छुट जा पर छुट नहीं सी रही कि नहीं रहे सी छुट छुट नहीं रहे पर अज किन्ने छुड़ाया इन्हों और ये भुले नहीं उस गल नूं लैके बोलो ये गल नूं लैके कि नहीं कुछ नहीं कोई गल नहीं बेटी है लोगों ने तो बहुत कुछ किया गली महल्या ने रिश्तेदार ने पर जानते कि जेड़ा जीवन एक समय मेरे को पहला सी और अज वो नहीं है अज मेरे जीवन शांति है सुकून है एक तंदरुस्ती है और इस गल नूं भुले नहीं कि नहीं भुले उस गल नूं नहीं भुले और ना भुलण दे कारण अज इत्थे खड़े ने स्वस्थ ने जीवन कि नहीं बोलो स्वस्थ ने और खुदा दे राज्य दे वारिस ने क्योंकि वचन च लिखा प्रभु ने जो अंत तोड़ी तक सहेगा उही मेरे राज्य का वारस होएगा
पर जिन्हों अजे तक इस ज्ञान की इस चीज की समझ नहीं कि मैनू केड़ा जीवन मिलिया और केड़ा मिलने वाला। इसलिए लिखिया परमेश्वर की आजादी सिर्फ शरीर का काम अवसर ही ना बन जाए। जिहड़ी परमेश्वर की आजादी है वह शरीर का अवसर ना बने कि हर गल असी शरीर से खत्म करिए, क्योंकि खुदा जानता है और परमेश्वर तुहाडा जानता है तुहानू की चाहिए उन्होंने पता है। बोलो की तुहानू की चाहिए उन्होंने पता है, उन्हें चाहिए उन्होंने पता है। इसलिए अगर असी इस गल का पता लगा लिया कि साडा की रोल है परमेश्वर नाल, असी की करना। इसलिए पतरस ने कहा, ठीक है बैठ सकते हो तुसी, कि जो जीवन अते भक्ति दे नाल उस परमेश्वर दे नाल वास्ता रखता है, की रखता है? सब ध्यान नाल सुनो, मेरी सब नूं आवाज सुनाई दे रही है, सब नूं समझ आ रही है मेरी गल दी? बोलो समझ आ रही है मेरी गल दी? सारिया हाथ हिलाओ जिन्हों समझ आ रही है, जिन्हों नहीं समझ आती उन्हें हिलाओ ताकि मैं उन्होंने कोल आ जावा और उन्होंने मैं चंगी तरह समझा सकूं। हाथ हिलाओ सब जिन्हों समझ आ रही है जो मैं दस रहा। तो जो जीवन अते भक्ति नाल वास्ता रखता है, साडा एक रिश्ता है परमेश्वर दे नाल। सब तो पहले एक चीज नूं समझो, साडा परमेश्वर दे नाल की है एक रिश्ता है, रिश्ता, क्योंकि उन्हें सानू उस पाप तो छुड़ाया है, बचाया। अगर तुहानू इस गल दी पाप के बारे नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, किया? क्योंकि लिखिया सी इजराइल दी उस प्रजा दे पद तो दूर सी, किसे सी उस परमेश्वर तो दूर सी असी। असल क्या निशलिंक मेमने यीशु मसीह दे लहू दे द्वारा असी उहदे नेड़े हो गए। की हो गए? असी उहदे नेड़े हो गए। तो जो जो तो इस गल नूं समझ गया कि मैं जीवन अते भक्ति नाल जो तो वास्ता रखदा उस खुदा दे नाल कि मैनूं केड़ा जीवन मिलिया और केड़ा मिलन वाला। तो लिखिया उन्हें चाहिए कि उस संसार की सड़ाहट तो छुट के ईश्वरी स्वभाव का सहभागी हो जाए, क्योंकि लिखिया उन्हें साडे नाल अमोलक ते वड्डे वादे किते ने। साडे नाल की किते उन्हें? अमोलक और वड्डे वादे उन्हें साडे नाल किते ने। अमोलक अते वड्डे वादे किहदे नाल किते है? बोलो किहदे नाल? बोलो किहदे नाल किते ने? जिहड़े लोग अपने अपने कम्मां च जा रहे ने सड़क के उपर, अपने घर च, अपने जिथे जिथे बिजनेस अपना अपना काम कर रहे हैं, कि जो लोग विश्वास करते हैं और वचन सुनते नहीं और पूरिया करते नहीं और भुलते नहीं, कि उन्होंने लिए? बोलो कि जो सुन के भुलते नहीं है। अमोलक ते वड्डे वादे साडे नाल किन्ने कीते उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने। हर एक चीज उन्हें अपने वचन च कहा, मैं हां विच है, मेरा मेरा वादा की है, हां विच है, नाम विच नहीं है। अगर तुहानू इस गल दी समझ नहीं आई कि मेरे नाल वादा किने कीता है, लिखिया मसीह विच उहने साडे नाल अमोलक ते वड्डे वादे किते ने। पर असी अगर उस संसार दी सड़ाहट तो छुट के किदे सुभाव दे सहभागी होईए? किदे सुभाव दे? परमेश्वर दे सुभाव दे। असी हमेशा तैयार रहिए कि रहिए उहदे वचन नूं अपने जीवन च लैण दे लई और सुन के उन्हों उस वचन पूरा करने के लिए, क्योंकि साड़ा साड़े मन में कौन जानता? बोले कौन जानता? कौन जानता? वचन प्रभु ने क्या रोटी नालों में किया ज्यादा जरूरी है, रोटी नालों में ज्यादा ताकतवर है। रोटी ज्यादा ताकतवर है कि वचन? बोलो की है? रोटी ताकतवर है कि वचन? वचन है। फिर प्रभु ने क्या रोटी नालों जो बुद्धिमान या समझदार या वचन नु खाए तो बगैर कभी भी नहीं रहेगा। वो शरीर की रोटी तो रह जाए तो रह जाए और किसी चीज तो रह जाए रह जाए, पर आत्मिक रोटी नु खान तो बगैर कभी नहीं रहेगा। कि नहीं रहेगा? कभी नहीं रहेगा। इंसान दा पद कदों उच्चा किया जाता है? दानियल एक आम व्यक्ति सी। बोलो दानियल एक आम व्यक्ति सी। अगर वो पेशे तो उदी बैकग्राउंड उदी पीढ़ी तो देखा जावे तो इन्ना मतलब वो नहीं सी,
समझियो जिमे असी भी पर एक दिन उस खुदा ते विश्वास करन दे नाल और उदियां विधियां ते नियमां पूरा करन दे नाल और दी भक्ति करन दे नाल बोलो क्योंकि खुदा ने उन्हों एक राजे दे दरबार विच बुलाया गया और उदी बुलाहट किस इंसान वालों नहीं सी परमेश्वर वालों सी उदी बुलाहट किदे वालों सी किस इंसान वालों सी नहीं तुहाडी बुलाहट किस इंसान वालों नहीं परमेश्वर वालों पर तू ही अपनी बुलाहट ते ध्यान नहीं दिता अपने रोल नू नहीं समझा कि परमेश्वर मेरे जीवन तो की चाहता है मैं की करना है तो तुसी जिवें दानियल दा पद उच्चा किया गया तो डानी हो पाएगा पर दानियल इस गल नू समझ गया देखिया दानियल दा इस करके पद उच्चा किया गया क्यों किया गया क्योंकि दानियल भी लिखिया किदी व्यवस्था दे उत्ते रात दिन ध्यान करता सी और किदे अगे प्रार्थना करता सी किदे अगे प्रार्थना करता सी और दानियल अपने नियम दा पक्का सी लिखिया तीनों टाइम किदे अगे प्रार्थना करता सी पर शैतान इस चीज तो खुश नहीं सी दानियल दी इस चीज तो शैतान खुश नहीं सी उन्हें उन्हें खत्म करना चाहिए की करना चाहिए जब एक दिन शैतान इस दुनिया का एक मैं पेट तनु दसता अच्छो शैतान है जिन्हें असीं कहने कि वह इस तरह है अज मैं थोड़े दिन पहले किसी को सिखा रहा सी कि उन्ना डर लोग परमात्मा का नहीं रखते जिन्ना शैतान का रखते हैं परमात्मा तो घट डरते ने ते शैतान तो ज्यादा डरते सच है कि नहीं उन्होंने परमात्मा तो घट डर और शैतान तो किया ज्यादा है अगर उन्होंने डर हो तो हर आज्ञा हर विधि हर नियम वो पूरा ना करे और जो करेगा आशीष पाएगा आमीन जो करेगा वो मैं क्या आशीष पाएगा क्योंकि किदा वचन है किदा वादा है और हर एक दे लिए जो दे कोल बुलाया गया इसलिए अगर तुम अपनी बुलाहट नु नहीं समझोगे तो शैतान भी एक दिन शैतान ने सोचा कि शैतान ने सोचा कि यीशु मसीह लोगों नु जिस समय तो 2000 साल पहला इस पृथ्वी के उपर लोगों के जीवन नु चंगा कर रहा है ब्लैस कर रहा है आशीष कर रहा है और शैतान इस गल तो खुश नहीं सी की नहीं सी खुश नहीं कई लोग खुदा दे लिए अगर जो कुछ करना चाहते ने बोलो कई ने बड़िया सारे ने मन बनाया मैं भी खुदा लिए कुछ करांगी मैं भी उदी सेवा कुछ कुछ ना कुछ पर जो करना शुरू किया तो सामने कई सारिया प्रॉब्लम आ गई और वो साइड ते हो गए पिछे हो गए पर यीशु मसीह इस तरह नहीं तो शैतान इस गल तो खुश नहीं सी कि यीशु मसीह लोगों के जीवन बचा रहा सी और उन्होंने जीवन चंगा कर रहा की कर रहा उन्होंने जीवन चंगा कर रहा पर एक दिन शैतान ने प्लान किया कि किवें ना हो सके यीशु मसीह नू मार दिता जाए खत्म हो जाए क्यों जाए खत्म हो जाए और मेरे मैं जो लोगों के जीवन च परमेश्वर की प्रजा वो जो लोग ने मैं जो उन्होंने जीवन च बीमारी तुक मुसीबत दी है यीशु मसीह उन्होंने चंगा कर रहा की कर रहा उन्होंने तो क्यों ना हो सके ये चंगा करने वाले की कर दो खत्म कर दो की कर दो खत्म कर दो तो शैतान ने प्लान किया और परमेश्वर के लोगों ने इस्तेमाल किया कि यीशु एक गलत इंसान है क्योंकि जिवें यीशु मसीह जिस समय इस पृथ्वी के उपर आए से लोग स्वीकार नहीं सी करते नहीं सी मानते कि वह किदी शक्ति है बोलो की हाँ उन्होंने नहीं सी समझते तो कुछ लोग व्यवस्था च दे विच यो यहोवा नू तो परमेश्वर नू जानते सी पर वे नहीं सी जानते यीशु मसीह किदी वल्लों आ जबकि उन्होंने प्राणी व्यवस्था दे विच यीशु मसीह बारे लिखिया सी पर उन्होंने यह नहीं पता लगा कि वह आ गया है इसलिए विरोध होया यीशु मसीह का विरोध होया लोगों के द्वारा कि इन क्रूस के उत्ते सलीब के उत्ते दिता जाए जिवें अज भी तुहाडे गली महल्ले तुहाडे रिश्तेदारां तो विरोध हुंदा है हुंदा कि नहीं हुंदा हुंदा ना तो विरोध होया और
विरोध दे विच लोकां ने उस पीड़ ने क्या उस समय दे पिलातुस राजे नू कि इनू क्रूस ते उत्ते मार इनू दो। तो पिलातुस राजे ने जदों दे कोल लिखिया गया तो उन्हें बोलिया कि इन्हें तो कोई ऐसा दोष नहीं इहदे अंदर जिस कारण इनू मृत्यु दंड इनू मौत सजाई जाए, पर लोग उस पीड़ नू रौला पा रही सी कि नहीं नहीं इनू दित्ता जाए, जिदे कारण यीशु मसीह क्रूस उत्ते दिता गया और यीशु जदों क्रूस दे उत्ते मर गया और शैतान ने सोचिया कि मेरी जिहड़ी लड़ाई सी यीशु दे नाल अज मैं ओ जंग जित गया। और शैतान पार्टी कर रहा, की कर रहा है? पार्टी कर रहा है कि मैं जित गया, मैं की हां जित गया, अज भी पार्टी कर रहा, कल भी पार्टी कर रहा और तीसरा दिन है फिर भी पार्टी चल रही है। और तीसरे दिन पता लगा यीशु मसीह की हो गया है, जिंदा हो गया, की हो गया है। और शैतान नू लाले दे पाले पै गए कि ये की हो गया, ये किस तरह जिंदा हो गया, क्योंकि उहदे बारे पहला तो लिखिया सी। पर ये गल शैतान दे लई एक पेत सी, अगर उन्हें इस गल का पता होंदा कि यीशु मसीह ने जिंदा हो जाना, दोबारा वचन बाइबल दसदी है कि उन्हें कदी भी उन्हें मरन नहीं सी देना। अरे दुनिया का महान सच जो इंसान सुन के भुलेगा नहीं, अगर तुम आज सुन रहे हो इस महान सच में, अगर नहीं भुलोगे, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठन तो बाद जड़ी सामर्थ जड़ी ताकत हर एक विश्वास करने के नाल आज हर एक विश्वासी के अंदर काम करती है, की करती है? हर एक विश्वासी नाल काम करती है। अगर शैतान नू पता होंदा तो लिखिया उन्हें मरन नहीं सी देना, क्योंकि दुनिया का महान सच ये है कि जो यीशु इस दुनिया के पाप लिए मरिया और मर के मुर्दियां चो जी उठिया, और जो कोई भी अज लिखिया, क्यों लिखिया, अज जो कोई भी उहदे नाम का विश्वास करेगा बचाया जाएगा। बोलो की है बचाया? परमेश्वर दास पौलुस जी ने कुरिन्थियुस के लोगों को समझाया कि सलीब की कथा नाश होने वाले लिए मूर्खता है, पर उद्धार उद्धार उधार मतलब छुटकारा, उधार पाउन वालियां दे लिखिया परम उस नमित परमेश्वर दी सामर्थ्य ताकत है, और ताकत यीशु मसीह दे नाम च हर एक विश्वास करन दे नाल कम करती है। आमीन, हालेलुया। तो की करती है? हर एक दे नाल वो सामर्थ वो ताकत की करती है, कम करती है। अति जो विश्वास नाल यीशु मसीह दे नाम च कहोगे बोलोगे वो होएगा। बोलो की होएगा? वो होएगा। किदा वचन है? बोलो किदा वचन है? सच्ची मैं कह रहा हूं, अगर ये गल शैतान नु पता होंदा, समझ आ रही मेरी गल? अगर शैतान नु इस गल दा पता होंदा कि यीशु मसीह फिर दोबारा जी उठेगा, ते लिखिया उन्हें उन्हें मरन नहीं सी देना, उन्हें सोचा कि शायद ये मर गया तो कहानी समाप्त हो जाएगी, ये काम इत्थे ही खत्म हो जाएगा, पर असल काम उदे जी उठन तो बाद शुरू होना सी। की होना सी? उदे असल काम उदे जी उठन तो बाद शुरू होना सी, और आज हो चुका है। बोलो की आज? पर जो इस गल नू सुन के भुलेगा नहीं वो आशीष पाएगा। आमीन। की पाएगा? वो आशीष पाएगा, क्योंकि किदा वचन है? बोलो किदा वचन है? इस करके ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਲਾਹਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੜਾਹਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਭਾਵ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣੋ। ਕੀ ਬਣੋ? ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਭਾਵ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨੇ ਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ? उस खुदा नु, उस परमेश्वर नु जो सानू मां दी गर्भ च रचने वाला और बनाने वाला है और जीवन अते सा देने वाला है। बोलो की देने वाला सानू? पर उस गल नु नहीं भुले जेड़े इन्हां दे जीवन च किन्ने उपकार कीता, किन्ने अपनी भलाई नु पैदा कीता। ये जानदे सी कि अगर मान लो मैं तो पहले ही अपनी बीमारी तो उस तो पीड़ित सी, मेरी कुख बंद सी, अगर खुदा मेरे जीवन च ना आउंदा, अज बेबी अज बच्ची आ, तद भी तो मैं, तद भी तो की कहते पंजाबी, तद भी तो जरना सी, हाँ ठीक, तद भी तो हौसला रखना ही ना, रखना कि नहीं रखना?
बोलो तद भी तो जीना सी के नहीं जीना अगर मान लो नहीं कईयां दे घर एक बच्चा या जान लड़की जां लड़का अगे नहीं है तो वो लोग अपने आप नूं खत्म कर देंदे ने जां मार देंदे ने कुछ कर देंदे वो भी तो जींदे ने जींदे कि नहीं तो इन्हां ने उस गल नूं नहीं भुलिया इसलिए अज भी इह खुदा दे नाल खड़े ने उहदे विच ने अगर नहीं भुल रहे तो वचन दसदा वो जन आशीष पाएगा और पाया आया व्यक्ति है बोलो पाया आया व्यक्ति है आशीष पाया आया पाएगा नहीं पाया है अगर वो पुल नहीं रहा तो पाया है व्यक्ति क्योंकि केदा वादा है इसलिए तैयार हो जाओ कलीसिया परमेश्वर दे नाल इस मन नाल चीन दे ले इस प्रेम नाल चीन दे कि हो जाओ तुसी तैयार हो जाओ कि हो जाओ अज खुदा ने मेरे मन में कुछ कुछ कोई वचन नहीं पाया तो मैं परमेश्वर ने पूछा सी परमेश्वर अज मैं अज तू मैंने कोई वचन नहीं मेरे मन च पाया मैं अज की मैसेज देना है की दसना है तेरे लोगों परमेश्वर ने क्या एक काम तेरा नहीं है मेरा है एक काम तेरा नहीं है मेरा है क्योंकि मैं इन्हां नूं आशीष देने लिए बुलाया है पर जेड़े इंसान सुन के भुलणगे नहीं उन्हें याद करेंगे हर समय वो परमेश्वर ने क्या आशीष पाउणगे बोलो कि बन गए हो आशीष पौन और ये सच है इसलिए कभी भी ना भूलो जो तुम सुन दे हो कल परसों रोज रोज उस गल्लां दा मनन करो की करो तन लिखा इसहाक इसहाक किदा बेटा सी उस इंसान दा जेड़ा इन्ने साल तक भी खुदा दी गल नूं भुलिया नहीं इन्ने साल बाद आशीष पाई और कई साल तक उन्हें वो चीज मिली नहीं कि नहीं मिली सुनो ध्यान नाल चौकस रहो कई साल तक उन्हें वो चीज मिली पर लिखिया परमेश्वर दी उस गल नूं भुलिया नहीं रोज चेते कर लगा रोज याद करता कि मैनू कहन वाला कौन है मैनू कहन वाला कौन है किन्ने मैनू कहा कि तेरे वंश तो मैं बहुत सारिया जातियां पैदा करांगा तेरे वंश तो मैं बहुत सारिया जातियां पैदा करांगा और लिखा एक दिन वो वचन पूरा होया और अब्राहम दे घर इसहाक पैदा होया कौन पैदा आया इसहाक पैदा होया इसहाक उहदा बेटा जो बुढ़ापे दी व्यवस्था दे विच उन्हें मिलिया बुढ़ापे दे मतलब समझने बुढ़े वेले तो इसहाक भी जानता सी कि मेरा पिता किदे ते विश्वास करता है अज तुहाडे बच्चे तुहानू जानदे है कि नहीं जानदे बोलो जानदे कि नहीं जानदे अगर तुसीं उस तरह दे विश्वासी हो ईमानदार हो खरे हो परमेश्वर दे नाल तो तुहाडे बच्चे भी तुहानू जानणगे बोलो की करणगे और वह भी वह करणगे जो तुसीं करदे हो बोलो की करोगे वो भी वो चीज करेंगे जो तुसी कर दे हो मैं कल किसी ने सिखा रहा सी शायद पता नहीं वो आए कि नहीं आए वो दोनों मां पुत इत्थे आंदे ने और उन्हां उहदियां दो बेटियां ने और दोनों नहीं आंदियां वो बोलदे आ कि साधन बाइक एक दे कारण मैं तो इन्हें कहा कि मैं बस से आटो से आ जाऊंगी और तू इन्हें लेके चल जा पर लेके नहीं आता इन्हों तो मैं क्या अगर तुम अज अपने बच्चों हो सकता सदा तो किसी माता पिता ने नाल नहीं रहना रहना है अगर कल उन्होंने जीवन च खुदा का वचन होएगा उन्होंने पता आएगा उस परमेश्वर की सामर्थ का ताकत का तो बाद भी वह परमेश्वर स्थिर रह सकते हैं बने रह सकते हैं वो हर चीज परमेश्वर तो पा सकते ने हर आशीष वो ले सकते ने खुदा दे कोल पर अगर वो उन्होंने खुदा तो दूर नहीं क्योंकि मैं जानता अगर इंसान मैं खुद अगर एक हफ्ता दो हफ्ते खुदा तो दूर हो जाऊंगा कुछ नहीं करांगा और दूसरे हफ्ते मेरा मन बिल्कुल नहीं करेगा दूसरे हफ्ते मेरा मन मेरा दिल नहीं करेगा मेरा प्रार्थना करने दिल नहीं करेगा मेरा वचन पढ़ने दिल नहीं करेगा कि नहीं पड़ेगा समझ रहे
अगर एक हफ्ता में खुदा तो दूर हो रहा और मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक हफ्ता, और दूसरे हफ्ते में कोशिश कर रहा, मैं प्रार्थना करा, मैं वचन पढ़ा, मैं कुछ करा, पर दूसरे हफ्ते में कुछ नहीं कर पाऊंगा। समझ गए? इसलिए लिखिया क्यों जकूब ने किया, जो रात दिन की करेगा ध्यान करेगा। ऐसा लिखे हफ्ते बाद जो ध्यान करेगा कितना क्या, जो रात दिन ध्यान करेगा वो आशीष पाएगा। हफ्ते बाद वाला नहीं कि लोग हफ्ते बाद ध्यान कर देने, एक हफ्ते बाद, फिर दूसरे हफ्ते बाद, पर वचन की दास रहा जो रात दिन करेगा। परमेश्वर दास जो यहोशू नु भी चुनिया, किनु चुनिया, तन्नु भी चुनिया उन्हें, पर तू ही अपनी चोन नु समझ नहीं पा रहे, अपनी बुलाहट नु समझ नहीं पा रहे। जो यहोशू चुनिया गया वो कम जेड़ा परमेश्वर ने अपने दास मूसा नु दिता सी, पर लिखा होता समा पूरा हो गया, तो परमेश्वर ने आख्या हुने काम मैं दूसरे नु दवांगा। अगर तुसी अपना रोल पूरा नहीं करेगा तो डी आशीष परमेश्वर दूसरे नु दे देगा, की फायदा है, कोई फायदा है? बोलो, अगर तुसी अपना रोल अदा नहीं करोगे परमेश्वर नालों काम नु पूरा नहीं करेगा, जेड़ी आशीष तानू परमेश्वर देने वाला वो दूसरे नु मिल जाएगी। की मिल जाएगी? वो दूसरे नु मिल जाएगी। कि सोच रहे हो कि किस तरह ये किदा हो जाएगा, मैं तो विश्वास कर दी, वो दूजे नु किदा मिल जाएगी? ये परमेश्वर दे लिए में इंसान दी अपनी सोच नाल नहीं होना। बोलो, इंसान दी अपनी सोच नाल, और बाइबल बयान कर दी, की कर दिया है ये बाइबल परमेश्वर दा वचन बयान करदा। समझ लियो, इस कारण जो काम परमेश्वर दास मूसा नु मिलया ओदी इस ज्यादा उन करके उदा समा पूरा हो गया, इसलिए जेड़ा वादा परमेश्वर ने इजरायली लोगों नाल कीता सी कि मैं तानू उस देश विच लेके जावांगा जिथे दुध अते शहद दीआं नदियां, पर समा पूरा हो गया। की हो गया? और वो काम उदे कारण तो नहीं, उदे कारण तो नहीं, पर कारण लोकां दा सी, कारण मूसा नहीं सी, कारण परमेश्वर नहीं है, कारण मैं नहीं है, कारण इंसान है। बोलो की है? कारण इंसान है, परमेश्वर का वचन कारण है। तो मूसा तो पचा सकता सी, पर लिखिया वो प्रजा जिन्हां दे नाल परमेश्वर ने वादा किया सी, वो बुड़बड़ांदे सी, कुड़दे सी, अपने जीवन च कई गल्लां करदे सी, जिवें अज हो सकदा अज किसी कोल थोड़ा है। बोलो की है? तो कुड़कड़ाए अपने जीवन च कि ले मैं तो इदां करदी आं, मैं तो इदां करदा आं, मेरे जीवन च की गल है कि हो नहीं रहा। असीं कुड़कड़ाना नहीं है, बुड़बड़ाना नहीं, असी प्रेम अते नम्रता दे नाल चलना, असी प्रेम अते नम्रता दे नाल चलना परमेश्वर दे नाल, कुड़कड़ाना नहीं है, बुड़बड़ाना नहीं है। लिखिया वो प्रजा कुड़कड़ांदी सी, बुड़बड़ांदी सी अपने जीवन च, इस कारण वो आशीष लेट हुई जिहड़ी खुदा उन्हां नूं लिखिया। जिहड़ा सफर सी उन्हां दा 40 दिन बाद जो आशीष उन्हां नूं मिलन वाली सी, लिखिया उन्हां नूं किन्ने साल लग गए, किन्ने साल लग गए, किन्ने साल लग गए? 40 दिन बाद वो सारा कुछ मिलने वाला सी, सिर्फ 40 दिन बाद सब कुछ मिलने वाला सी जो परमेश्वर ने किया। पर उन्हां दी अपनी बुड़बड़ाहट, अपनी उस सोच दे कारण, अपनिया कई विचारां, कई गल्लां दे कारण, की कारण दे कारण, जो परमेश्वर उन्हां नूं खान दे लई भी दे रहा वो तो भी बुड़बड़ा रहे हर चीज तो। लिखे 40 दिन की आशीष नुपाण दे लई 40 साल लग गए, और सारे भी नहीं लै पाए, सारे भी कईयां नूं तो उस खुदा दा खौफ ना रखदे हुए, डर ना रखदे हुए ऐसा काम किया जिन्हां नूं जिन्हां तों परमेश्वर नूं सख्त नफरत है। कईयां ने लिखिया व्यभिचार किया और उन्होंने मरना पिया, उन्होंने डर नहीं रखिया, कि नहीं रखिया खुदा दा, उस परमेश्वर का डर नहीं रखिया। जो रखणगे वो पाउणगे, वो मरणगे नहीं, और मरणगे कौन जिहड़ा डर नहीं रखता। कईयां ने डर नहीं रखिया, व्यभिचार किया और वो मर गए। लिखिया 23,000 लोग एक दिन च मर गए, 23,000 एक दिन च,
40 दिन दी बाद जड़ी आशीष 40 साल मिली। किन्ने साल? क्योंकि वो रात दिन उन्होंने उस गल ते ध्यान नहीं किया जो परमेश्वर ने कहा सी कि मैं वादा किया कि मैं तुहानू उत्थे लैके जावांगा। बिल्कुल किसी ने ध्यान नहीं किया। किन्ने लख दी मंडली सी? जिवें असीं वी इक मंडली हां, अच इन्ने लोग बैठे ने, बहुत सारे लोग अच पता नहीं की कारण है क्योंकि बहुत सारे नूं अपने भी काम नहीं। हां ठीक है, परमेश्वर उहदे मन नूं जानदा। किन्ने ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਆ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ 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 ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਡਲੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਪਤਾ ਹੈ। सुन रहे हो कि जे सुन के अगर भुलेगा नहीं आशीष पाएगा। अगर तुसी इन गल्लां नूं चेते नहीं रखोगे तो आशीष पाओगे। यीशु मसीह दे नाम विच मैं बोल रहा, आशीष पाओगे। अगर तुसी भुल नहीं रहे हो तो तुसी आशीष पाओगे। की पाओगे? कोई गल नहीं, इहनूं वजा सकदे सी थोड़ा ते। एक खुशी दा माहौल है, इत्थे कोई मर्ग का सत्संग नहीं है, बजा सकते हो तुसी। कोई भी म्यूजिक, मैं सिर्फ खाली कैशियो नूं बोलिया। हर चीज बार बार दस के नहीं कीती जाएगी। समझ आ रही है? समझ आ रही है? बोलो समझ आ रही? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कि 40 साल 40 दिन की चीज नूं 40 साल लाए। क्यों? सिर्फ अपनिया सोचा दे कारण। कादे कारण? अपनी सोच दे कारण। परमेश्वर सब ते लई इक्को आ और हर एक जगह ते ओह काम करता है। की करदा है? हर एक मंडली दे अंदर हर एक जगह ते खुदा काम करता। जे तुहानू समझ नहीं आई तो तुसी ओ पा नहीं पाओगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए खुदा ने तुहानू कुछ देने दे लई अपने कोल बुलाया। की बुलाया? कुछ देने दे लई। अगर तुहाडे अंदर आस नहीं है पाउण दी तो तुसी लै नहीं सकते। बोलो भजे आस है, तुहानू विश्वास है। बोलो की है? चाहे कैसे भी सिचुएशन च क्यों नहीं, चाहे कम है या नहीं है। बोलो, क्योंकि सब दिन एको जे नहीं रहेंगे। अगर आज तुहाडे कोल नहीं है, आज खुदा दे नाल खरे हो, ईमानदार हो और उहदे नाल भुल नहीं हो रहे हो कि मैनूं केड़ा जीवन मिलिया। और समझदे हो? अगर तुसीं चल रहे हो तो खुदा एक दिन वो ऐसी आशीष तुहाडे जीवन च देवेगा जो तुसीं लिखिया मन दे सोच विच भी नहीं आई। मन दे सोच विच भी नहीं आई। मन दी सोच विच भी नहीं आई। समझ रहे हो? मन दी सोच विच भी नहीं आई। सोच विच, मन दी सोच विच भी लिखिया परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालियां दे लई तैयार वो चीजा तैयार रखिया ने। वो सब चीजा तैयार रखिया ने। तैयार किन्ने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे लिए सब कुछ तैयार है? और जेडे भुलनगे नहीं वह पाउणगे। जेडे भुल जाएंगे वो छड जाएंगे, वो रह जाएंगे। जिवें इजराइली लोग बहुत सारे उस आशीष नूं उस सुख नूं परमेश्वर दे कोलों नहीं पा पाए। क्यों? क्योंकि वो भुल गए, क्योंकि वादा किया परमेश्वर ने। अब्राहम भुलिया ने, इस करके पाया। इसलिए उन्हें किन्नू पाया? इसहाक। तुसीं इसहाक वर्गी आशीष नूं पाउण वाले हो यीशु मसीह दे नाम च। आमीन। मैं क्या तुसीं इसहाक वर्गी आशीष पान वाले उस परमेश्वर तो और देने वाला है। और इसहाक भी जानता सी अपने पिता नु। और लिखिया इसहाक भी जदों जवान होया तो लिखिया ओ भी हर शाम नु परमेश्वर ध्यान करन जांदा सी।
ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦੋ ਪੀਏਗਾ ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚਾਰ ਪੀਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਲੋ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਲੋ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾਊਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿਨੇ ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਗਨ ਨੇ ਬੋਲੋ ਕਿਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਗਨ ਹੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਤੇ ਸੰਗ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਤੇ ਸੰਗ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਤੇ ਸੰਗ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਰਿੰਥੀਅਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਰਿੰਥੀਓ ਤੇਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਚਲੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਵਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਿਖ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਔਰ ਮੈਂ ਆਲਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਆਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਬੂਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਈ ਆਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ
समझते हैं, जिवें आपां संसार दीआं चीज़ां नूं कितना ध्यान नाल वेखदे हैं, समझते हैं, समझते हैं। अगर तुसीं बाजार सब्जी लैण जाओ तो खाली एक सब्जी नूं इदां नहीं तुसीं उहनूं बड़ा वेख चाक के लिआउंदे, गली सड़ी तां नहीं चुक के लिआउंदे। अगर कपड़ा लैण जाओ तो तद तद भी हर चीज़ विच समझदार हो, बुद्धिमान हो। पर लिखिआ उस वचन च भी इन्ने ही हो जाओ, की हो जाओ, इस तरह ही हो जाओ। समझ रहे हो? इसलिए कित्थे आ परमेश्वर साढ़े अंग साढ़े अंगा च पढ़ांगे इस वचन नूं असीं पांच तो अपने आप को परखो के विश्वास में हो के नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। तो परमेश्वर दास पौलुस जी क्रंथिस दे लोकां नूं कह रहे हैं कि अपने आप को परखो, कि करो अपने आप नूं परखो, मतलब जांचो, चेक करो अपने आप नूं विश्वास में हो कि नहीं, कि नहीं तो तुम जांच में, क्योंकि तुम जांच नहीं करनी आई इस जीवन दी, जो सामर्थ और आशीष भरिया जीवन है जिच अमोल्य ते वड्डे वादे इस जीवन च परमेश्वर ने मसीह विच साडे नाल कीते ने। अगर तुम जांच नहीं करनी आई कि नहीं आई, तुम जांच जांच समझे जांच करनी, तो परखो विश्वास में हो कि नहीं, नहीं तो तुम इस जीवन की जांच में निकम्मे निकले। कि निकले तुसी जांच में निकम्मे निकले, निकम्मे। पर कहिंदा मेरी आशा यह नहीं है कि तुसी निकम्मे हो। पौलुस क्रंथिस दे लोकां नूं की कह रहा, मेरी आशा यह नहीं है कि तुसी निकम्मे हो। क्यों? पौलुस कह रहे हैं मेरी आशा है और मेरी भी आशा है एक दिन परमेश्वर तो अपनी अपार महिमा प्रकट करेगा, तो कराएगा परमेश्वर उस सामर्थ्य मेरा परमेश्वर तो कराएगा। इसलिए जो कर नहीं सकते आज तो करना शुरू करो, बोलो जो नहीं करते वो करके देखो और होएगा, जो अज तक नहीं किया आज तो करो और होएगा, और यीशु मसीह के नाम च होएगा। कि नाम च होएगा? होएगा। तो कहना मेरी आशा कि तुम जान लो कि हम निकम्मे नहीं, कि नहीं है, कि बोलो निकम्मे नहीं। और सत हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दीख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं, और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। हाँ, की हो जाओ तुसी सिद्ध हो जाओ। की दिया गलना सिद्ध दा मतलब पूरे हो जाओ, क्यों जाओ सिद्ध दा मतलब उदे उस प्रेम च उदी सामर्थ, क्यों जाओ सिद्ध हो जाओ। इसलिए कहिंदा जो स्वतंत्रता दी सिद्ध व्यवस्था, स्वतंत्रता दी सिद्ध व्यवस्था दे उत्ते की करदा है रात दिन ध्यान करदा, वो इसलिए आशीष पाएगा कि सुन के वो भुलदा नहीं। जो लोग आज तो इसका इस वचन नु इस तरह करेंगे वो पाएंगे, वो हर चीज खुदा दे कोल पाएंगे, क्योंकि किदा वादा है, बोलो किदा वादा है, किदा वादा है, और वो पाएंगे। बोलो क्यों होंगे वो पाएंगे जो आज तो भुलेगा नहीं। बोलो की करेगा जो भुलेगा नहीं वो पाएगा, और खुदा वो दिल करेगा। आमीन। चोर से हम तारीफ करांगे इस वचन के लिए खुदा के नाम की, ताकि वो मैं हर आशीष से, हर भरपूरी से,
हर उस प्रेम से, हर आनंद से, हर खुशी से जीवन में परिपूर्ण करे। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, दिल से और आनंद से, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच मौजूद है, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। वो चाहता है, वो चाहता है कि आपके जीवन में काम करे, वो करना चाहता है। अगर आप इस वचनों को अपने मन के अंदर में अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हो तो परमेश्वर तैयार है। अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर भी तैयार है। वो चाहता है मैं हर इंसान को वो जीवन दूं, वो खुशी दूं, वो आशीष दूं। इसके लिए उसने अपने पास बुलाया। इसलिए अगर आप अपनी बुलाहट को, अपने प्रेम को अगर समझोगे नहीं तो आपकी आशीष रुकी रहेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता, परमेश्वर भी नहीं चाहते कि आपकी आशीष रुकी रहे। आज एक बड़ा मन बनाओ, एक बड़ा फैसला लो परमेश्वर के साथ, बड़ा फैसला लो परमेश्वर के साथ। सब अपनी आंखों को बंद करो, सब अपनी आंखों को बंद करो और अपने हाथों को उठाओ। एक फैसला लो, एक फैसला लो परमेश्वर के साथ आज चलने का कि मैं भूलना नहीं। आज फैसला लो परमेश्वर के साथ कि मैं हर एक वचन को जो परमेश्वर मैं अपने जीवन में जब भी लेती हूँ उसको मैं कभी ना भूलूं। मैं कभी भी अपने जीवन से उसको गंवाऊं ना। मैं रात दिन जैसे तेरा वचन हमें बताता है मैं ध्यान करूंगी। मैं रात दिन परमेश्वर अपने जीवन में उसको मनन करूंगी ताकि मेरे परमेश्वर जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया है मेरे जीवन में तेरा वचन एक हिस्सा बन सके। और जिस काम के लिए मेरे परमेश्वर मैं चुनी गई, चुना गया मेरे खुदा, वो आशीष मेरे जीवन में पैदा हो। मेरे परमेश्वर, मेरे सच्चे खुदा, मेरे सच्चे परमेश्वर, मेरे मन को अपनी ओर बढ़ाओ, अपने मन को परमेश्वर की ओर बढ़ाओ, अपने मन को परमेश्वर की ओर बढ़ाओ कि मेरे परमेश्वर मैं अपने मन को तेरी ओर लेकर आती हूँ। अपने मन को परमेश्वर की ओर लेकर जाओ। आज के वचनों के लिए उसका थैंक्स करो, धन्यवाद करो परमेश्वर का, क्योंकि खुदा खुदा का वचन उसके नाम से भी उत्तम है, उसके नाम से भी उत्तम है। सुनते सुनते रोगी अच्छे हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं बीमार, उनकी हर परेशानी, उनको हर दुख परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उनको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसका वचन जीवित है और दो तारी तलवार से भी तीखा है। हर परेशानी को खत्म करेगा, हर बोझ को आपके जीवन से मिटाएगा। ये उसका वादा है, ये उसका वादा है आपके साथ। अगर आप भूलोगे नहीं, आप भूलोगे नहीं, अगर याद करोगे कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है और वो अपने वचन के द्वारा मेरे से बात करता है, मेरे नाल गलना करता है, जीवन दिया और मैं उसको दादी को आशीष पावांगी, मैं पावांगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है और वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। जो सोचा नहीं वो होएगा, जो मन दे चित विच नहीं है वो खुदा तोड़े लिए करन दे लिए तैयार है। अगर तुसी आज फैसला ले रहे हो कि मैं हर एक वचन अपने जीवन च मनन करना है, उन्हें भूलना नहीं, हर समय मैं याद करांगी कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए, मेरे गुनाह के लिए क्रूस उत्ते मरिया और मर के जी उठिया। तुसी विश्वास कर दे हो ते जी उठन दी सामर्थ हर एक विश्वास करने नाल अगर तुसी नहीं भूलोगे तो कम करेगी। मैं क्या आज तो कम करेगी, हर एक विश्वास करने दे नाल आज तो कम करेगी। तोड़े बिगड़े हुए काम यीशु मसीह सिद्धा करेगा, तोड़े सारे टेढ़े काम प्रभु सिद्धा करेगा, तोड़े हर हालात को वो दूर करेगा, तोड़े हर समस्या को तनु पार करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोगों ने अपने मन को तैयार कर लिया है? जो तैयार नहीं, मैं सच्ची कह रहा कि वो अपनी ब्लेसिंग और अपनी गवाही ना लाने के जल्दी यीशु मसीह के नाम में कि आनगे हो अपनी ब्लेसिंग, अपनी आशीष ते अपनी गवाही दे नाल आनगे। अगर उन्होंने आज एक फैसला ले लिया है कि कर लिया है, क्योंकि सुनने वाला कदे भी भुलेगा नहीं कि मैंने केड़ा जीवन मिलया और मेरे को एक दिन कैसा जीवन सी।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਆ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਚਨ ਆਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਆ ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਚਨ ਜੀਵਤ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੀ ਵਚਨ ਜੀਵਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭੁੱਲਦਾ ਆ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਕੇ ਹਾਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਏ ਤੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਬਦਲਦਾ ਏ ਓ ਯਹੋਵਾ
वक्त बदलता है ते लोग, पर वो है सच्चा खुदा जो कदे ना बदलता। हो सकता इंसान उस मन नल आया है कि हाँ मेरा काम हो जाए तो मन एक समय आया तो उन्हें बड़े मतलब बड़े ओदे नाल मैं इस तरह करांगा, मैं उस तरह करांगा, मैं इस तरह करांगा, पर समा आया उदा वक्त बदल गया, पर वो बंदा बदल गया पर वो नहीं बदल रहा। हेलो, हो सकता एक समय ओदे उत्ते वक्त बुरा सी पर ओदे बुरे वक्त नु किन्नी चंगा कीता, हो सकता वो बदल जावे पर वो नहीं बदलता। हेलो, वो कदी नहीं बदल, हो सकता वो बदल के कुछ और कर लवे, पता नहीं की कर सकता हो, पर वो कदी बदलदा इंसान वर्गा जो आखदा उन्हें पूरा करता। इंसान 100 बार वादा करता 100 वारी बदलता, कई वो चीजा अपने मन च बोलता है सोचता कि मैं इदा करांगा, मैं इदा करेंगी, मेरा भी मन है मैं करांगा, वादे ते करता है पर समा आता है पता नहीं, पर वो है सच्चा खुदा जो कदे ना बदलता। आमीन। और खुदा आदि वचन नाल तनु बिग बिग आशीष दे चुका है। अगर तुसी ले ली है अपने जीवन ते खुदा दे चुका है। आओ असी खुदा दे उन्हें कीते हुए कम्मां नू सुनांगे। सब जो भी टेस्टमनी है जिन्हां दी भी टेस्टमनी, जल्दी आ जाओ जल्दी, जिन्हें भी टेस्टमनी वाले ने खास करके वो लोग पहला आ जान जेडे लोग पिछले मंडे बुलाए गए सी, क्योंकि खुदा दा वचन तो कदी भी जिस काम लिए भी परमेश्वर नूं भेजदा वो पूरा करता है, जिस काम दे लिए भी परमेश्वर अपने वचन नूं भेजदा है मैं क्या वो पूरा करता है। इस तरह कदी नहीं हुंदा कि वचन पूरा ना होए और व्यर्थ लिखिया उदे कोल वापस जाए ठहर के, वो जिस काम दे लिए भी आंदा है वो पूरा करता है। इसलिए जिहड़ा वचन अज दे लिए आया वो अज पूरा करेगा, जो पिछले समय आया वो पिछले समय करेगा। तो ठीक है जी, परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं अज के दिन लिए, अज के समय लिए, और मेरे वालों सारे जय मसीह दी और हालेलुया हालेलुया। तो प्रेयर जी इन्हों का नाम बलजीत आ और सोईया पिंड के रहने वाले ने, दसते पे ने कि इन्हों की कमर में सट लगी सी और सट लगन के कारण ये उठ नहीं पाते ना बैठ पाते थे, और दसते पे ने कि जो रब के दास के मुख तो परमेश्वर ने बोलिया कि जिन्हों प्रॉब्लम आ जो रोगी ने और अपना नाम लिखा और कल सारे ही इतने मैनू मिलन, और ये दसते पे ने कि मैं भी इस मीटिंग दे विच आई और सब उत्ते ही ले हैंड प्रार्थना हो रही सी और मेरे उत्ते तो ले हैंड प्रार्थना नहीं हुई, लेकिन दस रहे ने कि जो रब के दास नू मैं बोलिया कि मैं घर जा रही हाँ और रब के दास ने बोलिया कि जाओ तुसी वधिया हो, और ये दसते पे ने कि मैं विश्वास किया परमेश्वर मैं हूँ ठीक हाँ, और ये दसते पे ने कि मैं जो जा रही सी और रास्ते में जाते जाते जो मेरी कमर का दर्द सीगा वो बिल्कुल नहीं सीगा और परमेश्वर ने मैं आजाद कर दिता यीशु मसीह दे सामर्थी और जिंदा नाम दे विच। हाँ सुनो सुनो, जो नम्रता अते प्रेम नाल लेगा, कादे नाल नम्रता अते प्रेम नाल लेगा, ये सच है कि मैं इन्होंने उपर ले हैंड का हाथ भी नहीं रखिया, पर मैं इदा भी मैनू याद है इतने एक बंदा बैठा है, मैं उहदे नाल गड्डी ते जा रहा सी और किसी का गला खराब सी और उन्होंने मैं चंगियाई दे रहा सी किसी नू फोन ते, किसी नू मैं चंगियाई दे रहा और बंदे काफ़ी दिन तो एक महीने तो उन्हें दसिया कि मैं उस परेशानी तो प्रॉब्लम तो मतलब मैं फसया है और मैं किसी नू चंगियाई दे रहा फोन ते और लागे बैठा सुन के रिसीव कर रहा लै रहा है, मैनू पता नहीं वह बंदा होया कि नहीं होया पर जिहड़ा लागे मेरे बैठा
दे मैं किसे नूं रहा और सुन के रिसीव कर रहा है, वह बंदा उस दिन तो चंगा हो गया। की हो गया? और सेम इदा ही हो सकता जिन्हां दे उत्ते ले हैं दा हाथ गया, वह होए ना होए, पर जिन्होंने मन तो रिसीव किया वह ग्यावनी तामी हो गई। बोलो, क्योंकि परमेश्वर का सच्चा नियम है जो विश्वास नाल किते वचन अपने जीवन च लेंदे ने वो सेम नहीं रहेंगे। बोलो सेम, क्योंकि किदा वादा आया इस गवाही के लिए और इस विश्वास के लिए। जोर से कलीसिया, जोर से खुदा की तारीफ करेंगे, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, रूह से। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद सब नु जैम सिदी प्रेज इन्होंने गुरमीत कौर है मक्खन विंडी पिंड तो आए हैं और इन्हें दसिया कि इन्हें कान में दर्द रहती सी एक महीने तो और इन्हें कान में जिम्मे चप्पा भी जो आ जाता तो कान भारी हो जाता सी और इन्हें दसिया कि प्लस नाल इन्हों एक साल तो सुक्की बावा सिर की प्रॉब्लम सी और ये भी सोमवार की मीटिंग में आए थे और प्रेज जी थोड़े द्वारा ले हैंड प्रे हो रही थी और इन्हें दसिया कि थोड़े द्वारा जो सब ते हाथ रखा जा रहा है तो इन्होंने सिर पर हाथ नहीं सी रखा गया और इन्होंने जो शिक्षा सुनी और इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर जी मेरे सिर पर भी परमेश्वर जी के दास का हाथ रखा गया वा और विश्वास ने अपने घर चले गए और जो दोनों प्रॉब्लम से इन्हों तो परमेश्वर ने उस दिन तो कुछ दिनों के कहते पूरी तरह ना आजाद कर दिता। इस गवाही लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये मैं की दसिया सी कि परमेश्वर तुहाडे हिसाब नाल नहीं अपने हिसाब नाल काम करता है और स्पेशल उस दिन परमेश्वर ने अपना वचन दिता कि दिता क्योंकि कभी कभी मैं भी एक इंसान हाँ मेरी सोच में आ कि मैं इन्हें लोगों को की हीलिंग दे ले बोलना पर परमेश्वर जदों अपनी आत्मा च सानू कुछ बोलता है वो कहता है ये तेरी सोच है पर मैं अपना काम इस तो भी घट लोगों करना चाहना है। बोलो की है क्योंकि जिस दिन उन्ने लोग सी मेरा मन मैनू कह रहा है इन्ने लोगों से हीलिंग करन दा मजा नहीं है पर परमेश्वर कहता है तेरी सोच है की है पर मैं उस तो भी घट करके फिर काम करांगा और खुदा ने उदे नाल अपना वचन भी दिता की दिता अपना वचन भी जिवें मोआबियां को इजरायलियां नूं परमेश्वर ने छुड़ाया और परमेश्वर भी अज भी जो गिदाउन दा परमेश्वर सी मेरा भी परमेश्वर ताडा भी है और छुड़ाउन दे लई किया हर एक नूं तैयार है जिवें इन्हां नूं छुड़ाया छुड़ाया करी छुड़ाया अपनी उस पीड़ा तो छुड़ाया कि नहीं इसलिए जोर से इस गवाही के लिए दिल से खुदा का कोई भी काम छोटा नहीं। तो प्रेयर जी इन्हों का नाम गुरप्रीत है और नबीपुर के रहने वाले ने यह दसते पे ने कि इन्हों तेजाबी मादे की प्रॉब्लम सी और इन्हों का पेट भी फुलता सीगा और दसते पे ने कि जो बाथरूम जाते तो बाथरूम भी सही तरीके नहीं आता सीगा और ये दसते पे ने कि मैं भी अपना नाम लिखाया सीगा और जदों मैं मंडे के दिन इस जगह पर आई और रब दे दास ले हैंड प्रार्थना कर रही थी और जदों ही इन उपर ले हैंड प्रार्थना हो रही थी तो ये ले हैंड प्रार्थना करवाते समय उस वेले थले डिगे और ये दसते पे ने कि जदों मैं बाद चो उठी और परमेश्वर ने मैनू वो मादे की प्रॉब्लम तो आजाद कर दिता और दस दिन जो पेट की प्रॉब्लम सी परमेश्वर ने उतो भी आजाद कर दिता और जो बाथरूम की प्रॉब्लम सी परमेश्वर ने उस तो भी आजाद कर दिता और ये दस रहे कि उन्हें मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और यीशु मसीह सामर्थी नाम से पूरी तरह फ्री हो चुके ने। जोर से दिल से मनदीप कौर अवले पिंड तो आए हैं और इन्हें दसिया कि 15-20 मिनट ही प्रार्थना करते सी और उस समय भी कहते मैं परमेश्वर को बोल दी हाँ कि सब कहते असी एक घंटा डेढ़ घंटा प्रार्थना करते मेरे को क्यों नहीं परमेश्वर जी की जाती तो कहते कि मैं अपने मेरे मन में दोष भी लगता सी कि मैं अभी थोड़ा समा प्रे ते बैठती हाँ तो ये भी सोमवार की मैं मीटिंग में आए और इस प्रॉब्लम को लैके कि जो परमेश्वर मेरे को प्रार्थना नहीं की जाती तो इस तो भी मैंने वधिया कर चुके हो और प्रेर जी थोड़े मुख तो द्वारा ही ले एंड प्रे हुई तो उस दिन तो लैके कहते अज तक मेरी परमेश्वर ने
रात नू कहिंदे कि एक घंटा प्रार्थना और सवेर दे टाइम ते डेढ़ घंटा बैठ के प्रे करदे ने और कहिंदे कि परमेश्वर ने मैनू प्रे नाल और भी बहुत सारा ब्लैस कर दिता वा। और सैकेंड गवाही है कि जदों सोमवार इस जगह ते आए सी तो इन्होंने 6 साल देवें मतलब पॉलिसी करवाई सी और उन्होंने वे खत्म होई नू 2 साल हो गए सी और इन्होंने कोई भी पैसा नहीं सी मिलिया। और कहिंदे कि उस दिन मैं इवें कहिंदे इस समय परमेश्वर की हजूरी विच कहिंदे मैनू फोन आया कि जो तुहाडी 6 साल की पॉलिसी आ उहदे पैसे तुहानू 2 महीनों के विच मिलन जा रहे हैं। और कहिंदे कि वड्डी ब्लैसिंग परमेश्वर ने मैनू इस हजूरी विच देती और कहिंदे कि जो इन्ने समय तो रुके गए पैसे ही अं कभी सोचा भी नहीं सी जो कि परमेश्वर ने साडे वास्ते वधिया कीता और इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो इन्होंने तो इन्ना कुछ पा लिया पर जो सुन के नहीं पहुंचे उन्होंने की बने बोलो क्योंकि बलाहट बुलावा तो सब दे ले सी पर जो तो सुन के आए क्योंकि वो वही वचन आज पुल्ले क्योंकि की सुन रहे हैं कि जो सुन के पुल्लेगा नहीं वो की पाएगा आशीष पाएगा। वो हर चीज नाल हर चंगियाई दे नाल हर चीज नाल ब्लेस किया जाएगा और उच्चा किया जाएगा। पर जो आए नहीं जो आए नहीं उन्हें दा की करिए खुदा नाराज तो नहीं उन्हें तो बोलो परमेश्वर तो नाराज तो नहीं है पर जो उन्हें देना चाहता सी क्योंकि मैं नहीं बुलाया तनु बुलाने वाला कौन सी यही चीज है। कई लोग क्यों पॉलस जी ने कुलतो सलूकियों की कलिसिया नु कहा तुसी मनुख दा समझ के नहीं किदा समझ के लिया कई लोग मनुख दा समझते ने मनुख दा नहीं है मनुख कुछ नहीं है दास प्रोफिट अपोस्टल सेविक कोई पास्टर कुछ नहीं है जो कुछ या कौन है बोलो कौन है जो ओदी आवाज नु सुनदा और पूरा करता है बोलो की करता मैं नहीं कह रहा अगर हो सकता तुसी तो सुन रहे हो अगर मैनु कोई और सुनेगा तो इस गल नु बोलेगा शायद इस बंदे नु समझ नहीं है कि एक प्रोफिट एक अपोस्टल दी जगह की है। हाँ मैं नहीं कहता नहीं है बोलो की है मैं नहीं कहता कि नहीं है हाँ हैगी है ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲਏਗਾ ਬੋਲੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲਏਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲਏਗਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ जो चीज इन्हों के मन विच भी नहीं इन्होंने सोचा बंद हो गया खत्म हो गया कहानी की है और उसी दिन कॉल आ रही है 6 साल की पॉलिसी की आ रही है खुल रहा थोड़े बंद कम जो तुम मन विच सोचा नहीं कौन खोलन जा रहा है और कदों खोलेगा जो तुम सुन के पूरा करोगे। इस गवाही के लिए बड़ी आशीष के लिए जोर से रूसे तो प्रेरित जी नाम बलजीत है और मैनिया पिंड के रहने वाले ने दसते पे ने कि इन्हों का एको बेड़ा सीगा और उस तो बाद कोई इन्हों आशीष नहीं सी और ये दसते पे ने कि 10 साल हो चुके सके और ये दसते पे ने कि उस तो बाद यहोवा परमेश्वर के दास ने बोलिया कि तुहाडियां बंद कुखां खुलन जा रही ने और परमेश्वर तुहानू बच्चों नाल ब्लैस कर रहे हैं और ये दसते पे ने कि मैं रिसीव किया हे यहोवा परमेश्वर तुसी मेरे लिए कर चुके हो ये जे दास के मुख तो वचन आया मैं विश्वास करती हाँ परमेश्वर और ये दसते पे ने कि अज इन्हां नू 3 महीने हो चुके ने और परमेश्वर ने इन्हों आशीष दी आ और जल्द ही परमेश्वर ने इन्हों बच्चे दे नाल ब्लैस कर जा रहे ने यीशु मसीह सामर्थ्य और जिंदा नाम दे विच शोर से क्लिसिया रू और दिल से इनकी खुशी में शामिल हो ताकि परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे। प्रेज इन्हां दे नाल जसबीर कौर वल्ले पिंड तो आया और इन्हां दस्से कि अभी मंडे की मीटिंग ते आए सी और इन्हां दी लत्तां बाहां विच बहुत ज़्यादा दर्द रहिंदी सी और इन्होंने दस्से कि मैनूं अभी खिज भी बहुत ज़्यादा आउंदी सी मन करदा सी अपने घरों में चली जावां और जिस दिन मीटिंग ते आए
और प्रेयर जी थोड़े द्वारा ले एंड प्रे हुई और उस दिन तो लैके कहते कि मेरा शरीर बहुत वधिया हो गया और परमेश्वर ने एकदम कहते जो मैं खिज आती से गुस्सा आता से उस तो भी परमेश्वर ने इन्हों शांति दी और दूसरी गवाही इन्हों की कि जो तो काफ़ी दिन परमेश्वर इन्हों वधिया रखिया तो कहते कि इवें एक दिन अचानक रात मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा इवें वध गया और इन्हें दसे कि इवें जो रब के सेवक है उन्होंने को इन्होंने प्रे करवाई और काफ़ी इवें फर्क तो पिया पर कहते कि मेरे को इवें उठाया नहीं सी जा रहा मंजे तो इवें सुबह प्रेयर जी तुम्हें कॉल कर लगे से तो उस समय थोड़े कॉल इन्हों आ गई और तुम दस रहे इन्हें दसिया कि मतलब इवें प्रेयर जी बोल रहे थे कि मतलब मेरे मन में इवें पै ही रहा है तो जो थोड़े द्वारा इन्हें प्रे हुई तो उस समय अपने मंजे तो कहते उठ गई और बहुत ज़्यादा कहते जो शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं सी और परमेश्वर ने उस समय इन्हों बल दिता और बिल्कुल कहते अज मेरा शरीर वधिया वा और इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रेयर जी इन्हों का मोना है और नशहरे दरान वाले ने यह दसते पे ने कि इन्हों का पति 2 साल तो स्मैक का और टीकों का नशा करता सीगा और यह दसते पे ने कि इसे प्रॉब्लम करके मैं अपने घर में आ गई और दसते पे ने कि मेरे जो घर वाली फैमिली सी और सारे बोलते कि तुसी उन्हां नूं तलाक दे दो लेकिन इन्हों का विश्वास सीगा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं और यह परमेश्वर बने रहे और दसते पे ने कि परमेश्वर की संगति को इन्होंने अटेंड किया और दसते पे ने कि उस विच बोलिया जा रहा सीगा तुहाडे लड़ाई झगड़े दूर हो रहे हैं। ये दसते पे ने कि मैं विश्वास किया और परमेश्वर अगे बोलिया और ये दसते ने जो मैं इस तरह ही बोलिया तो नैक्सट डे ही इन्हों का पति इन्हों घर लैन वास्ते आया और ये दसते पे ने कि पर साडे नाल ही हुण रह रहे हैं और हुण कोई नशा नहीं करते कोई स्मैक का नशा नहीं है कोई टीके का नशा नहीं है और यीशु मसीह दे सामर्थ नाम च परमेश्वर ने उन्होंने आजाद कर दिता। जोर से कलीसिया जसपाल कौर जहांगीर पिंड तो आया और इन्हें दसिया कि इन्हों 2 महीने तो एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई सी और एलर्जी के कारण जो इन्होंने पूरे शरीर से खारिश होंगी सी तो बहुत ज़्यादा रेड रश इवें दाने हो गए सी और कहते कि इवें दाग पै गए ही मेरे पूरे शरीर से और इन्हों के पैरों पर भी निशान है और इन्हों के हाथों पर भी बहुत ज़्यादा ही कहते खारिश की प्रॉब्लम सी और इन्होंने इंजैक्शन भी लवाए थे पर कोई भी फर्क नहीं सी पिया और पिछले तो पिछले संडे में प्रेयर जी थोड़े मुख तो खास प्रे हो रही थी कि जो एलर्जी के प्रॉब्लम में है वो अज तो फ्री हो चुके हैं और इन्होंने दसिया कि उस समय मैं संगति में मौजूद सी पर इवें मेरे पूरे मन तो इवें मैं उस चंगियाई नूं रिसीव नहीं किया तो जो तो इस संडे संगति आए तो इन्होंने बोलिया कि परमेश्वर जी जो थोड़े दास के मुख तो हीलिंग हुई सी कि जो खारिश की प्रॉब्लम में आ तो मैं अज रिसीव करती हाँ कि मैं विश्वास करती हाँ कि मैं अज तो एक कोड़ तो बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हाँ तो जो तो इन्होंने इस तरह इस जगह पर प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अजो खारिश तो इन्होंने पूरी तरह ना आज़ाद कर दिता। इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जोर से तो प्रेयर जी इन्हों का नाम प्रीत और मान खैरे के रहने वाले ने यह दसते पे ने कि इन्हों के पति को बुखार की प्रॉब्लम हो गई और बहुत ज़्यादा खांसी भी आती सी और जो उन्हों का ठेकेदार सीगा जो मालिक सीगा वो कहता सीगा कि मतलब कि तू मेडिसिन लै और दवाई लैके फिर मेरे को आना मतलब कि मैं उन्हें चेर काम तेन करने वास्ते नहीं देवगा और ये दसते पे ने कि असी परमेश्वर बने सके और प्रेयर जी ये दसते पे ने कि तुम उन्होंने लिए प्रार्थना की और ये दसते पे ने जो प्रार्थना की तो परमेश्वर ने बुखार तो और खांसी का भी आजाद कर दिता और ये दसते पे ने कि फिर जो मेरा पति उस जगह काम से गया तो उन्होंने उन्होंने नहीं रखा और फिर प्रेयर जी जो तुम मिले और दस रहे ने कि रब के दास ने बोलिया कि अपने जीवन चो कुड़ना के खिजना दूर करो और दसते पे ने जदों ही असें अपने जीवन में कुड़ना दूर किया और परमेश्वर के दास ने बोलिया कि परमेश्वर तुम काम के नाल भी ब्लैस कर जा रहे हैं और ये दसते पे ने कि मैं इस तरह ही किया और परमेश्वर ने सानू वो जो कुड़ना सी खिंचना सी साडे जीवन चो दूर कर दिता और जो काम की प्रॉब्लम सी परमेश्वर ने मेरे पति नू स्कूल दे विच जॉब दे दी यीशु मसीह दे सामर्थ नाम दे विच। जोर से दिल से
प्रेज जी इन्हों परमजीत मान खैरे तो आया और इन्हें दसे कि चार पाँच दिन हो गए इन्हों जो भी सवेरे उठते और इन्हों घबराहट होनी शुरू हो जाती सी और नाल ही चक्कर आते और प्रेर जी भी सोमवार भी मीटिंग में आए तो कहते प्रेर जी तो मुक्त जो तो ले एंड प्रे हुई तो कहते कि उस दिन तो लैके अज तक जो भी मैं सवेरे उठती हूँ कोई भी घबराहट नहीं होंगी ना ही चक्कर आते हैं परमेश्वर ने इन्होंने बिल्कुल वधिया कर दिता इस गवाई लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेरित जी इन्हों नाम परमजीत और नशहरे के रहने वाले ने यह दसते पे ने कि इन्हों एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी और इन्हों शरीर उत्ते बहुत ज़्यादा दाग भी सके और दसते पे ने कि जो रब के दास ने मेरे उत्ते ले हैंड प्रार्थना की और दस रहे हैं कि उस दिन तो कोई एलर्जी नहीं आ कोई दाग नहीं आ परमेश्वर इन्हों ब्लैस कर चुके ने इसमें सामर्थ्य उस दिन नाम के नीतू बल्ले पिंड तो आए आ और इन्हें दसिया कि इन्हों ब्रदर ने मैं बाहर जाने की उन्होंने चाहत सी और इन्होंने दसिया कि उन्होंने पांच छे वारी वीज़ा लगाया सी पर इन्हों का वीज़ा अभी नहीं सी लगा तो अभी संगति में बने रहे और उन्होंने दसिया कि हूँ अभी मैं बिल्कुल भी अभी बाहर नहीं जाना मैं इतने ही काम कर लूँगा और जो उन्होंने इवें किया और ना ही उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई में वधना शुरू कर दिता और जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे तो कहने कि सानू बिल्कुल भी पता नहीं सी कि परमेश्वर ने उन्होंने जीवन च वड्डी ब्लैसिंग दी कि उन्होंने अभी वीज़ा लग गया तो थोड़े दिनों में परमेश्वर कहते कि उन्होंने जीवन च जो वड्डी ब्लैसिंग दी तो अज इन्हों जो ब्रदर आ बहरीन में जा चुका वा और इन्होंने जो भी चाहत की उन्होंने काम वास्ते और उस जगह पर इन्होंने ब्रदर को बहुत वधिया काम भी मिल चुका वा और इस वड्डी ब्लैसिंग के लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुनो सुनो एक चीज और अगर थोड़े तो कोई काम नहीं तो फ्री हो बोलो की हो थोड़े तो कोई काम नहीं तो फ्री हो तो घर बैठे हो आराम नाल कोई फायदा है किदी सेवा करो किदे काम करो बोलो अगर कुछ नहीं थोड़े कोई काम नहीं कुछ नहीं है तो किदी सेवा करो किदे काम करो बोलो आशीष कदों आएगी जो कुछ असं करांगे विश्वास खाली विश्वास है कर्म नहीं है बोलो की है खाली विश्वास है बोलो की है अगर किसी सर्दी लग रही है और मेरे को मंग रहा है मैनू कुछ चाहिए है गर्म होने के लिए मैनू की चाहिए मैनू सर्दी है और वह कह रहा मैनू कुछ चाहिए गर्म होने के लिए तो मैं उन्होंने शीश दे रहा जा गर्म जा तो हो जाएगा उसकी देह लिए शरीर लिए जो आवश्यकता उन्होंने जरूरत है उन्होंने देनी पड़ेगी इसलिए परमेश्वर का वचन दसदा कर्म बिना विश्वास की मोया है व्यर्थ है अपने विश्वास में कर्म भी करो लोग खाली विश्वास करते हैं कई वैसे घर च बैठे कर्म करना पे विश्वास के नाल नाल की करना पड़ेगा कर्म करोगे मैं नहीं कहता किदा वचन कहता अगर मेरा होंदा तो कुछ नहीं होना पर किदा वचन है ये सारे काम जो तुसी सुन रहे हो कौन कर रहा है कौन कर रहा है परमेश्वर कर रहा है इसलिए अपने विश्वास के नाल कर्म भी क्योंकि ये जिन्ने लोग आजाद हुए ने इन्होंने विश्वास किया और कर्म भी किया जिन्ने लोग मंडे की गवाही दे रहे ने क्योंकि संडे नू हीलिंग नहीं मैं परमेश्वर नू पूछा और परमेश्वर ने कहा मैं इस तरह करांगा पर काफी जाणियां ने नाम लिखवाए मैं स्पैशल नाम लिखवाए से की लिखवाए से मैं स्पैशल नाम लिखवाए से पर सारे तो नहीं पहुंच पाए पर जेडे पहुंचे और जिन्होंने रिसीव नहीं किया मन तो लिया उन्होंने खुदा ने आजाद किया की किया क्योंकि उन्होंने नाल नाल अपने विश्वास के विच कर्म भी किया कर्म करना पड़ेगा बोलो कर्म करना पड़ेगा मैं नहीं कहता खुदा वचन कहता है इसलिए कर्म करो खुदा तोड़े साथ है आमीन हाँ बोलो नेक्स्ट तो प्रेर जी इन्हों का नाम किरने और भगवान के रहने वाले ने यह दसते पे ने कि जो संडे के दिन आए तो बारिश के कारण
इन्हां दे बेटे नूं बहुत तेज बुखार हो गया सीगा और ये दसदे पए ने कि मैं जो रब दे दास ने उन्हां तो ले हैंड प्रार्थना करवाई अपने बेटे दे लई और जदों ही प्रार्थना करवाई और दसदे पए ने कि उसे ठीक समय बाद ही परमेश्वर ने मेरे बेटे नूं आजाद कर दिता शमस दे सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच। निंदर या लद्देवाल पिंड तो आया और इन्हें दस्या कि इन्हों का बेटा और वो दो जने होर सी बाइक पर जा रहे थे और उन्होंने भी एक्सीडेंट हो गया और इन्हें दस्या कि जो जो उन्होंने दोस्त ही जो बाइक चला रहा से उसमें गल में एवं ब्रेक वज गई और दूसरे दे भी काफ़ी एवं रगड़ा लगिया पर इन्हें दस्या कि जो इन्हों का बेटा से उन्होंने कोई भी रगड़ नहीं लगी और परमेश्वर ने बिल्कुल उन्होंने संभाल के रखा और इस गवाही यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रेर जी इन्हों का नाम राजी और वल्ले के रहने वाले ने यह दसते पे ने कि यह अपनी जॉब तो अपने काम तो घर आए आ रहे थे और दसते पे ने कि जो मैं साइकिल पर आ रही थी और एक ट्रक पिछों आया और इन्हें मैंने बड़ी तेज़ सैड मारी और सैड मारन के कारण दस रहे थी कि मैं एक खाली चक्के दे विच इस तरह थले आ जाने वाली सी लेकिन परमेश्वर ने मैंने बचा के रखा और बहुत सारी उत्थे भीड़ कट्ठी हो गई और सारे कह रहे थे परमेश्वर का धन्यवाद आ परमात्मा का रब का धन्यवाद आ कि तुसी बच गए और ये दस रहे ने कि मैं जो आ रही सी तो मैं अपने मुँह दे विच परमेश्वर अगे प्रार्थना करती आ रही सी और जो ही इस तरह होया और परमेश्वर ने मैंने बचा के रखा कोई रगड़ नहीं आ कोई प्रॉब्लम नहीं आ और इस मस्ते सामर्थी नाम के इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सीमा जहांगीर तो आया और इन्हें दसिया कि इन्हों के ब्रदर ने भी बाहर जाना सी और काफ़ी वो चाह थी और इन्हें दसिया कि जो भी प्रेर जी थोड़े मुख तो हीलिंग होंगी सी कि जिन्हें पासपोर्ट और वीजे लगाए ने ब्लैस हो चुके हैं तो कहें कि मैं हर संडे रिसीव करती सी और प्रार्थना करती रहती सी कि परमेश्वर जी मेरे ब्रदर ने भी बाहर कला चुके हैं तो कहते जिमें मैं प्रार्थना में बनी रही और इवें इन्हों के ब्रदर ने एक तरीक न जाना सी और उन्होंने भी वीजा उतो फोन आया कि कैंसल हो गया वा और जो इवें पैसों की भी थोड़ी कहते सूँ काफ़ी इवें प्रॉब्लम लग रही सी और कहते कि मैं अपना मन ही खराब किया मैं फिर प्रार्थना से बैठ गई परमेश्वर अगे मैं घुटनिया भार कहते मैं प्रार्थना की कि नहीं परमेश्वर जी जिमें ताडे दास दे मुख तो आंदा कि साडे लई जो भी ब्लैसिंग आ तुसी कर चुके जो तो कहते मैं इवें प्रार्थना करती रही परमेश्वर अगे और कहते कि कल मेरा भरा इवें बाहर जा चुका वा और जो पैसों की प्रॉब्लम से होर भी काफ़ी रुकावट आ रही सी तो कहते कि सब रुकावटा जो कहते सू परमेश्वर ने कढ़ के रखिया और अज इन्हों का भरा बाहर जा चुका वा और इस गवाही यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इन्हों की चाहत है कि उस जगह पर उन्होंने काम भी बहुत वधिया मिल चुका वा और ये धन्यवाद करते हैं ईशु के नाम। कुलविंदर या कुलविंदर कौर या मालूवाल तो आए आ और इन्हें दस्या कि इन्हें दराणी से और कल रात उन्होंने इवें डिलीवरी होनी सी और इन्होंने इवें फोन आया कि इवें जो इन्हें दराणी इवें काफ़ी सीरीयस आ और कि और तुसी इन्हें ब्रदर ने बोलिया कि तुसी प्रार्थना कर दो कि जो मेरी पत्नी आनू ICU में लै गए नहीं और कोई भी उन्होंने होश नहीं आ तो कहते कि मैं उस समय जो रब के सेवक है और उन्होंने कॉल की और उन्होंने भी प्रार्थना की और इन्हें दसिया कि मैं सानू रात ही फोन आ रहा सी कि इन्होंने पर कॉल नू अटेंड नहीं किया और जो इन्होंने सवेरे पूछा कि हुण किवें उन्होंने हालत तो कहते कि वो उस समय परमेश्वर ने वधिया कर दिते सी और परमेश्वर ने उन्होंने बेटे के नाल ब्लैस भी किया वा और इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद कर दे। और प्रेज जी इन्हों का नाम महेंद्र सिंह आ और वल्ले के रहने वाले ने इन्होंने अपनी टेस्टमनी तो नहीं लिखाई ये दस रहे ने कि इन्हों बहुत ज़्यादा सवेरे जो आए अज फस्ट टाइम में ही आया पहले दिन ही अपनी संगति दे आए ने और इन्होंने बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और दस रहे कि मैं पिछे बैठा सीगा और मैं संगति सुनते सुनते ही जो मैंने चक्कर आ रहे थे परमेश्वर ने मैं आज़ाद कर दिता हूँ कोई चक्कर नहीं आ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर पूरी तरह फ्री कर चुके हैं।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੜਫ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਤੜਫ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਪਿਆਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਕਿਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਲੱਭਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਲੈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਆਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕੋ ਮਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚਾਹਤ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਿਆਸ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੜਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਲਈ ਜੀਓਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਮੀਨ ਤੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਜਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਸੇ ਇੱਕ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਔਰ ਤੋੜੀ ਔਰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਹ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜੋ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਆ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਔਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਿੱਛਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਆਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਨ ਕਰਿਓ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰੰਥੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਬਲ ਤੇ ਰੋਗੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਉਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਣਾ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ
ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜੋ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਏ ਨਿਯਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਆ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਅਭੀ ਲਾਈਵ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁੱਕਾ। ਪਰ ਨਏ ਨਿਯਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬੋਲੋ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਜਾਏ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੋ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਕੁਛ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਭੀੜ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ, ਅੱਜ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ, ਅੱਜ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਰਪਟ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੜਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਖੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਤਨਾਮੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫਸੇ ਦੀ ਤੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਿਗ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਗ ਹੀਲਿੰਗ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਆ, ਰਸੌਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੱਥਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਿਲਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੌਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਸਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਪੀ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੋ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋ, HIV ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਫਸੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਸ ਫਸੇ ਦੀ
इस दे यीशु मसीह दे उस दे इस रोटी और इस नेम दे प्याले नू लैन तो बाद तुसी फ्री हो जाओगे। जिन्हें लोग मेरी गल दा मेरी नहीं परमेश्वर दी गल नू समझ के लै रहे ने वह सारे दे सारे फ्री हो जाएंगे। तो जरा जिन्ना भी तुहाडे अंदर अज परेशानी नहीं रहेगा, मैं सच्ची कह रहा थोड़े अंदर दी रसौली थोड़ी अंदर दी गिल्टी चाहे शरीर के अंदर या तोड़े अंग तोड़िया हड्डिया कमजोर ने थोड़िया नाड़ा कमजोर ने तुम सर्वाइकल दे रोगी हो चाहे किस भी चीज दे तुम पीड़ित हो आ तुम फ्री हो जाओगे। मैं कह रहा फ्री हो जाओगे पर उसके लिए सब अपनी जगह से खड़े हो जाओ और अपने हाथों को उठाओ। सब अपनी जगह से खड़े हो जाओ, अखा बंद करो, अपने हाथों को उठा के रखना। कोई भी लज्जित ना हो इस गल तो और मेरे पीछे बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस काश अति पृथ्वी दे मालिक मैनु जीवन देने वाले मैनु बनाने वाले ते मैनु अपने कोल बुलाने वाले परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करती तेरा थैंक्स करता कि गल परमेश्वर जो तेरे दास ते मुख तो आ रही है ये उन्हां तो नहीं है तेरी है और जो वचन तेरी वल्लों हुंदा है वो प्रभाव रहत नहीं प्रभावशील है। इसलिए अज दा वचन मेरे लिए प्रभावशील है। जदों मैं हुण इस फसे दी देह दे विच प्रभु ओ नियम जो तू अपने चेलियां दे नाल लास्ट ओ समी तुस रोटी लई और तोड़ी उस नेम दे प्याले नू तुसी क्या कि मेरी देह आ ये रोटी नहीं है मैं इस जगत दे पाप लई अपना शरीर देना है और तोड़ी और तुसी दित्ती फिर बाद विच तुसी उस नेम दा प्याला तुसी क्या मेरे लहू दी वाचा आ और मेरे जान दे पिछियों तुसी ये करिया करो तुसी करिया करो। इसलिए मेरे परमेश्वर तेरे वचन च तो लिखिया है कि बपतिस्मा लो मन फिराओ और वही लोग इहदे भागीदार होणगे। पर मेरे परमेश्वर मैं जान दी हाँ तू सच्चा प्रेम किया तू सच्चा खुदा आ इसलिए मेरे परमेश्वर मैं अज अपने जीवन च हर उस पाप के गुनाह तो हर उस गुनाह तो हर उस विरोध तो हर उस वैर तो हर उस रोष तो हर अपने मन की पीड़ा तो जो मेरी किसी के प्रति आ मैं अपने मन नू फिरावनी आ मैं अपने मन नू फिरावना है। मैनु माफ कर मेरे परमेश्वर माफ करो परमेश्वर माफ करो परमेश्वर मैं अपने हर गुनाह दे लई अपने मन नू तेरे कोल लेके आ मेरे गुनाह नू बख्श मेरे गुनाह नू बख्श मेरे गुनाह नू बख्श मेरे गुनाह नू बख्श मेरे पाप नू बख्श। अज खुदा अज तेरा पवित्र शरीर जो अज मैं उसनू रोटी समझ के नहीं जो तू उसे संसार दे ले बल्कि मेरे लिए दिता जदों मैं खावा तो उस लहू दे वाचा दे नियम नू पीवा मैं उस सारे पाप दे अंधकार तो जिस तो मैनू तू अपने कोल बुलाया मैं आजाद हो जावा मैं आजाद हो जावा मैं चंगा हो जावा मैं चंगी हो जावा मैं पूरी रीति नाल अज अपने मन नू उस पाप तो फिरौनी आ फिरौना आ जो मैं करदी सी मैं नहीं करांगा जो मैं करदा सी वस तो नहीं करांगा मैं अपने हर एक पाप नू एक सेकंड दे लई अपनी अखां नू बंद रखो और अपने मन नू परमेश्वर को लेके जाओ अपने अपने पाप का पश्चाताप करो। असी सब जानते हैं कि साडे मन च की असी की करते हैं हरेक इंसान नू जो खांदा उन्हूं पता है। इसलिए अपने मन नू उस पाप तो जो भी तुसी करदे हो अज पश्चाताप करो परमेश्वर दे सामने पश्चाताप करो पश्चाताप करो उस पाप के लिए अपने अपने मन के अंदर अज अपने अपने मन के अंदर पश्चाताप करो एक फैसला लो खुदा नाल।
एक जीन का फैसला लो, अपने अपने मन की पुकार परमेश्वर दे को लेके जाओ, अपने अपने हिरदे नू अपने मन में उस खुदा दे अगे खोल दो, जिस तरह परमेश्वर दे दास दाऊद ने अपने हिरदे दे अपने मन में उसके अगे खोलिया। अज खोलो उस खुदा दे अगे अपने मन में और फिर आओ उस गुनाह ते उस पाप तो अपने मन में जिस दे लई साडे उस प्रभु ने साडे उद्धारकर्ता ने अपने जीवन नू उस क्रूस उत्ते गवाया। याद करो दी कुर्बानी, याद करो दी कुर्बानी और हो जाओ उदे जीवन दे सच दे शामिल, शामिल हो जाओ उदे सहभागी हो जाओ उदी दे और उदे लहू दे भागीदार हो जाओ सारे। याद करो दी कुर्बानी और फिर आओ अज सारे अपने पापा तो अपने मन। थैंक यू जीसस। आमीन। आज फिर तो मैं कह रहा बंद कुखा खुल जान गया, फिर तो बंद पीरियड खुलन गए, हर रोग तो तुसी आजाद हो जाओगे आज। और आज ये वचन खुदा दी वल्लों आ और आनंद करो, मैं कह रहा प्रभु दे नाम च आनंद करो, तारीफ करो उसके नाम की। और सब अपनी जगह ते खड़े रहेंगे, और सब ते सब अज प्रभु पूछते दे हकदार ने जो नहीं बपतिस्मा ले पर उन्हें अपने मन नू फिराया है। मैं कह रहा नेक्स्ट संडे लेना लगिया उनकिया गवाइया दी, लग रहा कि पूरा सत्संग का समा सानू गवाइया च बतीत करना पड़ेगा। खुदा तुहाडे जीवन च इन्ने कम करने वाला है तुसीं सोच भी नहीं सकते। अगर तुसीं विश्वास नाल अज खुदा दे वचन नू रिसीव कर रहे हो, परमेश्वर तुहाडे जीवन च वड्डे कम्मां नू करन जा रहा है। तुहाडी किवें पत्री रसौली टुटदी आ, किवें आंदी और किदां गायब हुंदी आ, इह खुदा दा वचन आ। किवें विंगियां हड्डियां अज दे इस नियम दे वाचा दे लहू और दी देह दे शरीर नू लैन नाल किवें सिद्धियां हुंदियां ने, किवें बंद अखां ते बंद कमजोर, किवें काला मोतिया और चिट्टियां चिट्टा मोतिया तुहाडे जीवन चो जांदा, किवें तुहाडे घुटने सीधे करदा है। अगर तुसीं विश्वास कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो और खुदा अज अपना जलाल प्रकट करेगा, इसलिए आओ। किथे ने बच्चे हो और इसी वर्शिप सॉन्ग ने नाल इस नेम दे वाचा दे पाकीदार बनांगे सारे दे सारे, सारे दे सारे। और अज आशीष वचन खुदा ने पहले ही देता, मैनू नहीं पता अज क्यों दिता, क्योंकि खुदा तुहानू सारिआं नू आशीष करना चाहुंदा सी। इसलिए आओ इस वर्शिप सॉन्ग नाल उसके प्रेम में भर जाइए और दे और दे लहू दे पाकीदार हो जाइए। ठीक है, शुरू करो। तो ठीक है जी, प्रभु परमेश्वर जी का बड़ा धन्यवाद इस वर्शिप सॉन्ग दे लई। बच्चियां तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया, टूटा हुआ
सुनो बहुत सारी हीलिंग नाउ दिस टाइम होने हो जाएगी इस वाचा दी थे और शरीर नू जिन्होंने अपने मन नू पूरी रीति नाल खोल देता वो अभी इसी समय बहुत सारे रोगी चंगे हो जाएंगे पर तुम सारे दिस सारे चंगे हो गए पर आज बहुत सारे नाउ दिस टाइम इससे समय हो जाएंगे कुछ कुछ रस्ते विच कुछ जानते कल कर पर तुम सारे दिस सारे हो गए बदन को और उस यीशु के लहू को अपने जीवन में ले रहे हैं अपने मन को और भी फराए कि प्रभु मैं इस योग नहीं था मैं इस योग नहीं था कि प्रभु इस तेरी इस दे को इस रोटी को तेरे इस लहू में भागीदार हो सके पर आज तेरी बड़ी दया तेरी बड़ी करुणा है जो आज स्थान में मेरे परमेश्वर तूने हमारे ऊपर प्रकट किया इसलिए और भी अपने मन को फिराओ कि प्रभु मैं इस योग नहीं था मेरा ये कुकर्म नहीं है ये मेरी कोई अपनी खासियत नहीं ये तेरा प्रेम है जो तूने मेरे साथ किया कि आज तूने इस बड़े प्रेम के साथ बड़ी करुणा के साथ आज अपने दास के द्वारा जो तूने बोल कर आज पूरी मंडली को तूने ब्लेस किया तूने आशीष किया पूरों को रोग सारों को रोग ग्रस्त किया ये तेरा प्रेम है ये तेरा प्रेम है ये तेरी वफा है जो तूने मेरे साथ की जकड़ा था मैं बदनी का टूटा हुआ
सारे गुनाह तो किए।
ये रूह की ताजा वचन है जो आज खुदा ने दिया। बोले 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 राहों की तू रोशनी, तू ही मेरा रहनुमा। राहों की तू रोशनी, सब अपने हाथ को उठा के बड़े मसीह की इस बड़ी बात के लिए कि खुदा ने आशा बड़े प्रेम के साथ मुझे आजादी है, पर तू बन गया।
आज बड़ा छुटकारे का दिन है। आनंद करें, आनंद करें, उसके नाम में झूमते और नाचते हुए जो नीचे बैठे वो खड़े हो जाएं, जो नीचे बैठे वो खड़े हो जाएं, खुदा के मसे में उसके प्रेम में भर जाएं, इस बड़े छुटकारे के लिए, उसके बड़े प्रेम के लिए, आज के लिए उसका थैंक्स करें, धन्यवाद करें कि ये उसकी वफा, ये उसका प्रेम है जो आज उसने हमारे बीच में दिखाया। जोर से झूमते हुए, नाचते हुए, रूह से भरते हुए, मत सोचो मेरे पास कौन है, मुझे को देख रहा है, रूह में आत्मा में भर जाओ। अब उनका क्या करें, बोलो अब उनका क्या करें जो आज खुदा की मैं शब्द सुनदा हुंदा सी कि बहुत सारे इस दिन नूं वेखना चाहुंदे सी पर वेख ना सके। कुछ लोग शायद इस शब्द नूं एदां समझदे ने कि इस दुनिया चो चले गए ने, पर नहीं, उहदा मतलब अज इह है कि बहुत सारे लोग इस दिन नूं वेखना चाहुंदे सी पर वेख ना सके। वो मतलब ये नहीं है कि उस दुनिया चो कूच करके नहीं चले गए, वो लोग जो वेख नहीं सके। आज खुदा दी उस प्रेम नूं, खुदा दी उस प्रेम नूं जो आज उन्हें तोड़े अंदर तोड़े विच विखाया है, क्योंकि मैं जानता हूं वचन च लिखिया ना वधा ना घटा ना, क्योंकि शराब पिया, पर जदों खुदा तो कुछ वचन आंदा है
तो मैं जानता कि मूसा की अवस्था च वचन देने वाला कौन है और बदलने वाला भी कौन है। बोलो कौन है? इसलिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर दास पौलुस जी क्रिंथियस के लोगों को कहता, मैं जो जिस दिशा च बुलाया गया मैं उसके लिए ओह चा बन गया, ताकि किसी नू एक नू खिंच के किदे नाल मिलावा। इसलिए खुदा तुहाडे लई वैसा ही बन जाता जैसे तुसी हो। इसलिए सुनिया अच असी वचन, क्योंकि ना मैं आस करदा कि तुसी निकम्मे ना दिखो। मैं आस करदा, मैं भी आस करदा तुहाडे उत्ते, क्योंकि तुहानू बनाउण वाला तुहानू बुलाउण वाला कौन है। इसलिए वो सच्चा है और अज उन्हें प्रेम नू, और बहुत सारे हेल हो चुके ने, मैं कह फ्री हो चुके ने। अगर वो खुदा दे वचन नू समझ के अज ले रहे, तो मैं कहना एक छोटा बच्चा भी सेम नहीं जाएगा। अज दे इस बदन और लहू दे भागीदार होने तो बाद एक छोटा बच्चा चाहे वह दुध पींदा वह भी सेम नहीं जाएगा। अगर तुम शासना रसीब कर रहे हो और खुदा दे वचन नू मनन करोगे, मैं कह रहा अगर नहीं भी हीलिंग हुई, अजे कईयां दे जीवन च नहीं हुए, पर मनन करन ते इस गल ते बार बार, हाँ परमेश्वर तू क्या, तेरा वचन से और जो मैं तेरे वल्लों आया और हो जाएगा। एक भी बंदा सेम नहीं रहेगा। बोलो की नहीं रहेगा? पर तुसी इस गल ते मनन करना, मनन समझदे आ, मतलब भुलना नहीं, इनू कदी नहीं भुलना, इनू रोज धन्यवाद की भेट करके चढ़ाना। क्योंकि किदे वल्लों ये प्रोफिट वर्ड किदे वल्लों आया, किदे वल्लों वचन आया, और वो परमेश्वर अपना अच काम पूरा कर चुके हैं। सब असी अपनी जगह पे बैठ जावांगे। और असी अपने बीस नू हुण बोवांगे खुदा दे उस प्रेम दे लई जो हमेशा असी बोलने हैं, क्योंकि जीवन इन्ना सस्ता नहीं है। अज सुनिया एक गवाही ने सुनिया कि उन्होंने अपनी उस एक छोटी जी बीमारी दे लई 2 to 3 lakh rupees खर्च करता। किन्ना खर्च करता? 2 to 3 lakh rupees जीवन लैन दे लई। पर परमेश्वर पैसे नहीं लेंदा, वो मन मन वेखदा। वो पैसे लेके नहीं किसी को चंगा करता, किसी ने चंगा ही देंदा, पर वो मन वेखदा, मन इंसान दे मन नु वेखदा, कैसा मन है उहदा। और जो खुशी नाल मैं एक वचन दिता सी भजन सहिता दे विच कि जो हंजुआं नाल बोणगे, बोलो जो हंजुआं नाल, हंजुआं नाल बोण दा मतलब समझदे आ। कई बेचारे सोचते ने कि मेरे कोल तो यही 20 rupees मैं इसे ना कराए किराया ला के वापस जाना है, किराया ला के वापस जाना, तो मैं किदा जावा, मैं की बोवा। इचो बाणी च लिखा जो हंजुआ नाल बोणगे वो जयकारियां दे नाल वटणगे। जयकारियां दा मतलब है खुशी नाल। और जो पुलियां पुलियां समझदे, पुलियां जिवें छोटियां छोटियां पुलियां, जो पुलियां दे नाल बोणगे वो भरियां दे नाल। एक पुला हुंदा छोटा, एक भरी हुंदी वड्डी हुंदी है। जो पुले नाल छोटे पुले वांग और वड्डी भरी, समझ पूले नाल बोणगे और परी नाल कटणगे, क्योंकि किहदा वचन है। इसलिए आओ अपने अपने सीट नू, अपने टाई नू, अपने पीस नू अपने हत्थां विच लो और बोलो, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिवें अज मैं तेरे उस देह दी भागीदार होया, तेरी उस पवित्र लहू दे वाचा दी मैं भागीदार भागीदार होया, अज ये भी एक तेरा नियम है जिदे विच मैं परमेश्वर हमेशा अपनी खुशी नाल भागीदार होना है। और तू देन वालियां दा लैन वाला के रखो। हाँ बोलो बोलो, हालेलुया हालेलुया। Oh, honey.
ऊंचे कोट में, ऊंचे कोट में गाऊंगा। पर हुने हुने किन्नू आत्मा ने छुया। मैं सिर्फ एक दो जाने को सुनना चाहवांगा क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा और पवित्र है और सब के जीवन च कम करता है। पर मैं सिर्फ एक दो जाने को सुनना चाहवांगा। हाँ, कोई दो जन आ जान खुदा दी महिमा दे ली। मैं फिर तो कह रहा हूं कि मनन करना या जिवें अज वचन सुनिया कि स्वतंत्रता दी सिद्ध व्यवस्था नू जो सुन के भुलेगा वो इसलिए आशीष पाएगा। जो अज अज दा खुदा दा सच्चा पवित्र वचन जो तुहाडे लई आया, बोलो की आया। मैं जानता कि परमेश्वर दा वचन इस तरह सिर्फ उन्हों ही भागीदार करता है जो बपतिस्मा लए ने और मन नू फिराया है। बोलो की आया जिन्होंने मन नू फिराया है। पर अजे वचन खुदा वल्लों सी, परमेश्वर दी वल्लों सी, तुहाडे जीवन च हर घटी नू पूरा करन दे लई। इसलिए खुदा ने दिता अज अज कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई चिट्टा कोई काला मोतिया, किसी दे कन किसी दा गला अख कुछ नहीं होएगा। अज सब फ्री होंगे और सब गवाही दे नाल आएंगे। पर फिर भी असी प्रभु की उस महिमा नू सुनांगे जो हुजे उनी खुदा ने तानू इस दे और लहू दे पाकीदार किया है। असी इस योग नहीं सी, असी इस काबल नहीं सी, पर खुदा दा प्रेम है जो उन्हें तुहाडे नाल कीता। हाँ बोले तो प्रेरित जी दस रहे ने कि जो सवेरे आए थे इन्हों का बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा है और प्लस बहुत ज़्यादा चक्कर भी आते पे सी, और ये दस रहे ने कि परमेश्वर ने हुणे हुणे मैं आज़ाद कर दिया यीशु मसीह सामर्थी नाम दे। तारीफ करा तो प्रेर जी दसते पे ने कि इन्हों बेटे बाथरूम की प्रॉब्लम या रुक रुक के बाथरूम आता वा, और ये कहें कि मैं अज विश्वास करके जानी हाँ कि मेरे बेटे पूरी तरह कहें कि बाथरूम की जो प्रॉब्लम है वो तो पूरी तरह आज़ाद हो चुका वा और वधिया तरीके कहें कि उन्होंने बाथरूम आ चुका वा, और अज कूरी रूह ना भर के और मतलब इन्होंने अपने
पूरी परमेश्वर अगे रो के प्रार्थना की कर रहे सी और कहते कि मैं पूरा विश्वास है कि मैं अगले संडे मतलब परमेश्वर अगे गवाही दे चुकी हाँ और इस गवाही लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हो चुका तो प्रेर जी ये दस रहे ने कि इन्हों को प्रार्थना नहीं होंगी सी और ये दस रहे ने कि हने हने परमेश्वर की आत्मा ने मैनु छूया और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर अज तो तुसी मैनु बहुत सारी महिमा दे लई खड़ा कर चुके हो मेरे सामर्थी नाम विच। प्रेर जी दसते पे ने कि मेरे शरीर में काफ़ी कमजोरी के कारण कहते मेरे को खलोता नहीं सी जाता और इन्हों दी लत्तां विच दर्द रहिंदी सी और अज कहते कि प्रभु दे आत्मा ने मैनू छूया और कहते कि मैं पूरी रूहना भरी सा और कहते कि मेरे लत्तां विच कोई भी दर्द नहीं होया। काफ़ी समय चर कहते मैं खलो के परमेश्वर दी भी रूहना भर के महिमा भी की आ और कहते कि परमेश्वर ने मैनू छूया और मेरे दर्द की जो लत्तां विच दर्द सी वो तो आज़ाद हो चुकी हाँ। इस गवाही लई यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रेर जी ये दस रहे ने कि इन्हों एलर्जी और शिकां की प्रॉब्लम सी और ये दसते पे ने कि परमेश्वर दे आत्मा ने मैंने छूया और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर तो ही मैंने आजाद कर चुके इस मते सामर्थ्य जिंदा राम। आमीन। मैं कह रहा कि मैं फिर तो तुम याद दवा रहा स्मरण करा रहा चेते करा रहा कि अज का दिन और अज की हीलिंग खुदा के मसे नाल भरी है। तुम किन्ने वो मसे और प्रेम नाल भरे हो उन्ने ही वड्डे काम होणगे। खास करके पत्थरी रसौली और गिल्टी बंद कुखां खुलन गियां बंद अखां खुलन गियां बंद कन्न चिट्टा काला मोतिया एच आई वी कैंसर बीपी शुगर सर्वाइकल मैं कहना कुछ भी क्यों नहीं सब विंगे टेढ़े अंग सीधे हो जाएंगे। आ बुद्धि वाले लोग बुद्धिमान हो जाएंगे जो तुसी अच लिया ते खाया और पीता है उन्हें एक आम रोटी समझ के एक आम उन्हें एक शरबत समझ के नहीं उस मन्नल अगर ले आया तो परमेश्वर तुहाडी सोच अते समझ तो कई गुना ज्यादा कर चुका। आमीन।